उपस्थित अध्येता बंधुओं, आज हमारे विजिटिंग प्रोफेसर सकलानी जी एक बहुत ही मनोरंजक विषय पर और अपने आप में एक बहुत विवादित विषय भी हो सकता है, इस पर अपनी बात आपके समक्ष रखने जा रहे हैं कि वैदिक मेडिसिन क्या रिलीजियो मैजिकल है, उसमें कुछ धार्मिक और जादू का अंश है। ये नैरेटिव जो विदेशियों ने सेट किया है उसकी सच्चाई क्या है, ये विषय जहाँ पर मेडिसिन से संबंधित है वहीं पर भारतीय ज्ञान परंपरा को विदेशियों ने किस तरह से दूषित करने का प्रयास किया या उसे बदनाम करने का प्रयास किया या उसे अनसाइंटिफिक सिद्ध करने का प्रयास किया, उससे भी संबंधित ये हो सकता है, क्योंकि हमारे जितनी भी परंपराएं थी उन सब को निरर्थक सिद्ध किए बिना अंग्रेज अपना एजेंडा नहीं चला सकते थे। और मेरा ये मानना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से और सभ्यता की दृष्टि से 1000 वर्ष में मुस्लिम शासन में उतनी हानि नहीं हुई जितनी 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन में हुई। और मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कह दूं कैसे मैं क्यों मानता हूं। उस समय जो शासन था, मुगल शासन या उससे पहले सुल्तान का शासन या खिलजी वंश का या दास वंश का शासन, ये सारे ज़्यादातर शहरों तक सीमित थे और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। और उन लगभग 8-9 वर्षों में जो हिंदू संस्कृति थी, यहाँ की जो मूल संस्कृति थी, उसने कभी अपने आप को निम्न स्तर का नहीं माना, उनको अपनी रसोई में नहीं घुसने दिया और उनके साथ रोटी बेटी का संबंध कभी स्थापित नहीं किया और कभी भी इंटेलेक्चुअली अपने आप को उनसे घटिया नहीं माना किसी भी फील्ड में 800 साल की गुलामी के बाद। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने हमारी सारी परंपराओं को घटिया सिद्ध करते हुए हमारे भीतर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का प्रयास किया और वो प्रयास कितना सफल हुआ वो हमें देखकर कोई भी समझ सकता है। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी चिंतन प्रणाली जितनी ज़्यादा बदली है इन 200 वर्षों में अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजों के कारण, उतनी 800 सालों में मुसलमानों के कारण नहीं बदली। अंग्रेज ने कहा कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली तो बकवास है, क्या मदरसों में, पाठशालाओं में क्या पढ़ाई होती है, पंडित जी हैं पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं और उनके जिम्मेवारी दी गई है वो पढ़ाते रहते हैं, मौलवी पढ़ाते रहते हैं, क्या पढ़ाई है, इसको छोड़िए हम बताते हैं पढ़ाई क्या होती है, हम तय करेंगे आपको क्या पढ़ना है। पहले तो वो अपने अपने स्तर पे करते थे, कोई केंद्रीय ऐसी शक्ति, ऐसी सत्ता या ऐसा संस्था नहीं थी जो तय करती थी कि किस स्कूल में क्या पढ़ाया जाए। जो पंडित जी हैं, जो वहाँ पे अध्यापक है, वो तय करता था कि मुझे कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, डिसेंट्रलाइज था सारा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम बताएंगे कि पाठ्यक्रम हम बनाएंगे, पुस्तकें हम छापेंगे, अध्यापक हम ट्रेन करेंगे, विद्यालय हम खोलेंगे और वहाँ पर कैसे पढ़ाई होगी, कैसे परीक्षा होगी, हम तय करेंगे। और हमने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार किया। आज नई शिक्षा नीति कह रही है विकेंद्रीकरण करो, डिसेंट्रलाइज करो,
कितना कर लेंगे। हमारे यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन इतना बड़ा था कि हर विश्वविद्यालय या हर विद्यालय अपने ढंग से ही पढ़ाता था, हर गुरुकुल अपने ढंग से ही चलाता था। लेकिन आज हम फिर उस ओर जाने की बात कह रहे हैं कि भाई अगर सचमुच ओरिजिनल थिंकिंग को बढ़ावा देना है तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अंग्रेज ने कहा आपके यहाँ कौन सा न्याय होता है, न्याय तो होता ही नहीं, पंचायतें क्या न्याय करेंगे, अनपढ़ लोग बैठ जाते हैं और फैसला दे देते हैं, क्या है, कोई कानून लिखित नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारी न्याय प्रणाली बकवास, छोड़ो इसे, हम देते हैं आपको न्याय प्रणाली, ये अदालत होगी जिला में, ये होगी प्रांत में, ये होगी केंद्र में, और पूरी व्यवस्था, कानून ये होंगे, रिटर्न होंगे और कानून इंटरप्रेट करेंगे वकील। अब वकील तो सीधी बात है, कोई भी मुकदमा है उसमें एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, दोनों वकील तो सच्चे नहीं हो सकते, वो तर्क करते हैं, और तर्क क्यों करते हैं, जो झूठ है उसको सच बनाने के लिए, जो सच्चा है वो तो सच्चा है ही, लेकिन जो झूठा लड़ रहा है वो किस लिए लड़ रहा है, कि जो झूठ है उसको सच बनाया जा सके। तो इसलिए कुल मिलाकर न्याय प्रणाली जो हमारी थी, अब गांव जो जितने निकट होगा कार्यक्षेत्र उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि सोशल इनफेमी के डर से लोग गलत काम ना करें। और पंच परमेश्वर, आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, अब उसमें है क्या, बड़ा स्पष्ट है, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए विवश हो जाता है जज या पंच जो वहाँ बैठता है, क्योंकि उसको समाज का डर है, उसी समाज में उसको रहना है, फैसला देने के बाद कहीं चले नहीं जाना है। लेकिन इन अदालतों में क्या होता है, दो वकील जो सुबह लड़ रहे हैं और शाम को बैठ के इकट्ठे शराब पीते हैं और हंसते हैं कि देखो हमने दोनों को मूर्ख बना दिया। तो ये हमारी न्याय प्रणाली का हुआ। तुम्हारी चिकित्सा प्रणाली बकवास है, घास पात से कहीं कोई इलाज होता है, इलाज तो हम बताएंगे आपको कैसे होता है, पूरी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो जिन चीज़ों पर आधारित है वो अननेचुरल है, नेचर से दूर जितना जाओगे उतने ही एलोपैथी की ओर जाओगे। तो नेचर से दूर पूरी चिकित्सा प्रणाली को ले जाया गया और हमारी सारी चिकित्सा प्रणाली को बिल्कुल निरर्थक सिद्ध कर दिया गया। आज हम आयुर्वेद को, आयुष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 200 साल में अंग्रेज ने इसे ख़त्म कर दिया, और 75 साल उसमें हम अपने भी जोड़ लें, उन्होंने जो किया वो किया, आज़ादी के बाद हमने भी कोई ऐसा नहीं किया कि अपनी चिकित्सा प्रणाली को बहुत ज़्यादा विकसित करने का प्रयास किया। शिमला के अंदर ही मैं देखता था लोग बाजार के अंदर एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक यूनानी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, बंद बंद हो गई क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं थे, लोग जाते क्यों नहीं, अच्छे हकीम वहाँ नहीं रहे, अच्छे वैद्य वहाँ नहीं रहे, वो क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने शिक्षा प्रणाली में उनको महत्व नहीं दिया, इसलिए जो कहीं नहीं डॉक्टर बन सकता वो आयुर्वेदिक की ओर भागता था, टैलेंट वहाँ जाती नहीं थी। तो कुल मिलाकर हमने आयुर्वेद को भी नष्ट किया, क्यों, अंग्रेज का प्रभाव था। हमारे खान पान को क्या, तुम नीचे बैठ के खाते हो, हाथ से खाते हो, गंदे हाथ से भी कोई खाया जाता है, सारा चम्मच से खाइए, जूते पहन के खाइए, टेबल पे बैठ के खाइए, तब आप जेंटलमैन हैं, अदरवाइज आप सब ह्यूमन हैं। और हमने माना, अब शायद ही कोई घर होगा जिसमें डाइनिंग टेबल नहीं है, कुर्सियां नहीं लगी हैं और जूते पहन कर लोग खाना नहीं खाते, और जो नहीं खाते हैं उनको हम सब भी कहाँ मानते हैं। ये हमारी जो मेंटेलिटी खराब की है अंग्रेज ने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने जो स्टेटमेंट दी कि 200 वर्ष में हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ अंग्रेज ने जितना खिलवाड़ किया और अंग्रेज ने जिसे जो हानि पहुंचाई वो 800 वर्ष में उससे पहले के मुस्लिम शासन में नहीं पहुंची है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। हालांकि उन्होंने तलवार का प्रयोग करने की कोशिश की, इन्होंने तलवार नहीं चलाई उस हिसाब से, इन्होंने बुद्धि बल से हमें मारा है। तो आज का विषय वैसा ही है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है
क्या वो रिलीजियो मैजिकल है, उसमें धार्मिक और जादू का अंश ही ज़्यादा है, या सचमुच वो कोई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक अपने अनुभव से। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का राष्ट्रीय संयोजक था। धर्मशाला में हमने एक बहुत बड़ा कैंप लगवाया, हेल्थ कैंप, और उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स, बड़े वैद्य आयुर्वेदिक कॉलेज से, और एलोपैथिक के वहाँ के टांडा के हॉस्पिटल से, और तिब्बतन मेडिसिन के, दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट की कि अपने जो बेस्ट पॉसिबल आपके यहाँ वैद्य हैं उनको भेजिए, और एक बड़े गांव के अंदर हमने मेडिकल कैंप आयोजित किया और खूब प्रचार किया कि कोई भी आकर इलाज करवा सकता है फ्री। और तीनों कमरे अलग अलग थे, जिसके जो जहाँ इच्छा हो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो शाम को जब हम बैठे, आकलन हुआ कि 450 के आसपास मरीज आए पूरे दिन में, मैक्सिमम जो थे वो गए तिब्बतन की ओर, उससे कम गए आयुर्वेद की ओर, उससे कम गए मेडिसिन की ओर। तो हमने एनालाइज किया इसका कारण क्या। एलोपैथी तो सब जगह अवेलेबल है, इसलिए उसके लिए मेडिकल कैंप में आने की जरूरत ही नहीं थी। जो आकर्षण था वो ये था कि आयुर्वेद वाले इस बीमारी में क्या करते हैं, और जो तिब्बतन मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड है सारा वो जड़ी बूटियों बूटियों पर आधारित, उनका भी वैसे ही है 100%, लेकिन हमारे यहाँ जो इतनी बटिया बना देते हैं वो उतना बड़ा गोला देते हैं खाने के लिए। तो लेकिन वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बहुत प्रसिद्ध थे तिब्बतन, और पूरे देश से लोग वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हमने अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को खोया है, उसको रिगेन करने का प्रोसेस चल रहा है, और ये जो टर्मोइल आप पूरे देश में देख रहे हैं ये उसी का परिणाम भी है। यथा स्थिति चलाए रखने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, जब आप यथास्थिति को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो ये टर्मोइल जो पूरे देश में हम देख रहे हैं ये होना स्वाभाविक है। तो ये जो विषय है ये भी ऐसे ही थोड़ा सा पानी में पत्थर फेंकने के समान है। तो देखिए सकलानी जी हमें क्या बताते हैं। आपका स्वागत है सकलानी जी, आप अपना विषय। शुक्ला जी, नहीं शुक्ला जी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप कुछ कहें। जीवन है अत्यंत ही डार्क है, उसके बारे में पढ़ना गौरव का विषय है।
स्ट्राइक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सरकार का शिक्षा की परियोजनाओं के नैक की जो कमेटी होती है उसके कोऑर्डिनेटर हैं जिसके विषय बड़े ही महत्वपूर्ण शिखर है जैसे एक है औपनिवेशिक मानसिकता से भारत के मानसिकों का पता चलते हैं कि आज जो एक प्रस्तुति है वो इसी बड़ी महापरियोजना का एक छोटा हिस्सा है। रामायण ट्रेडिशन इज हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव रिलेवेंस ऑफ वैदिक एनवायरमेंटल एथिक्स इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये सारी पुस्तकें हैं। अनेक पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं जो कि जैसे रामायण ट्रेडिशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आपकी आपने लगभग 40 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं, बहुत सारे छात्रों को एमफिल और पीएचडी में आपने गाइड भी किया है। आपने आईसीएसएसआर जो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है वो उसमें 6 रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपने सक्सेसफुली सफलता से पूरा किए हैं। आप बहुत सारे सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ के सदस्य भी हैं जिसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी के और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के और क्रॉस कल्चरल एंड थियोलॉजिकल डिबेट्स नीदरलैंड्स के सदस्य के रूप में हैं। आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं जिसमें पंजाब कला और साहित्य अकादमी का अवार्ड है जालंधर, जो जालंधर में है, ये हिस्टोरिकल राइटिंग्स के अंतर्गत आपको मिला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे यहाँ 3 महीनों के लिए अतिथि अध्येता के रूप में उपस्थित हुए और आपसे संपर्क बड़ा ही विचारोत्तेजक रहा हमेशा। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि जानते तो हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं वो मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि अच्छी तरह से चीज़ों को जानते हैं और जो जानते हैं उसमें भी आवश्यक नहीं है कि वो बढ़ चढ़ करके कह सकें। वेदों में ये कहा गया है कि बृहद वदेम विदथेषु वीरा, हम सत्य को जाने भी और उसको बलपूर्वक विदथेषु यानी सभाओं में कह भी सकें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम सकलानी साहब में देखते हैं। आज का विषय जो है वो स्वास्थ्य पर है और हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसके विषय में जो प्रवाद फैलाए गए हैं, जो फॉल्स नरेटिव सेट किए गए हैं, उनका परीक्षण प्रोफेसर सकलानी आज करने वाले हैं। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का जैसे सामान्य रूप से एक विशद दृष्टिकोण होता है, स्वास्थ्य का भी विशद दृष्टिकोण है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं है हमारे यहाँ, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, चरक ने कहा, जिसकी आत्मा इंद्रियां और मन तीनों स्वस्थ हैं वही स्वस्थ कहा जाता है। और स्व का तात्पर्य आत्म है, उसमें स्थित व्यक्ति ही स्वस्थ होता है। हेल्थ और स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा अंतर है, ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम वैयाकरणों के लिए तो शब्द जो हैं वो ब्रह्म की तरह हैं, लेकिन सामान्यतया भी अगर देखा जाए तो हेल्थ जो है वो हीलिंग के बाद आता है, अर्थात मूल अवस्था जो है वो अब्राहमिक रिलीजन्स ने वो एक ओरिजिनल सिन है, कोई खराब अवस्था से हम अच्छी तरफ जाते हैं। लेकिन भारत में जो जीव की मूल अवस्था है वो अवस्था नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था है। अगर आप अस्वस्थ हैं इसका मतलब आप अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं हैं। वहां अगर आप अस्वस्थ हैं, आप सिनर हैं, तो वस्तुतः आप मूल अवस्था में हैं। आपको कोई पर्ज करेगा, कोई ठीक करेगा, उसके बाद आप ठीक होंगे।
वस्तुतः हम नित्य स्वस्थ हैं। सो आप किसको मान रहे हैं? सो आप शरीर को मान सकते हैं, मन को मान सकते हैं या बुद्धि को मान सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है, जिसको भी मानते हैं उसमें अगर आप स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि मनश्शास्त्र के सबसे बड़े प्रणेता जो पतंजलि हैं और आयुर्वेद के प्रणेता जो चरक हैं, दोनों को एक माना गया है हमारे हमारी परंपरा में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरानतुस। तो इन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे प्रोफेसर शक्लानी साहब, और आचार्य पतंजलि को, आचार्य चरक को प्रणाम करते हुए हम आपको मंच देते हैं। परम आदरणीय उपाध्यक्ष एवं निदेशक महोदय प्रोफेसर गुप्त जी, इस सत्र के विद्वान अध्यक्ष डॉक्टर बलराम शुक्ल जी, इस संस्थान के सचिव डॉक्टर प्रेमचंद जी, हमारे सभी अध्येता बंधु बहने, सहअध्येता बंधु और बहने, मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत लंबे समय से इस संस्थान से जुड़ा रहा हूँ। मेरी अकादमिक यात्रा में जितना मेरे विश्वविद्यालय की भूमिका है, उतना ही इस संस्थान, महान संस्थान की भी है। मैं ये जो अतिथि अध्येता का मेरे को निमंत्रण मिला, मेरा चयन तो 2019 में हुआ, पर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये मानते मैं किसी न किसी टलता रहा, और मैं 4 सितंबर को यहाँ पहुँचा, और 5 सितंबर, 4 सितंबर को शनिवार था, 5 सितंबर को रविवार था, शिक्षक दिवस भी था, और मुझे आदर्श शिक्षक के रूप में एक छोटी सी मुलाकात भोजन पर जाते हुए निदेशक महोदय से हुई, बहुत छोटी, 1 मिनट की थी। पता नहीं कैसे मैंने पहचान लिया कि आप ही निदेशक हैं। अंदर से प्रेरणा थी, ये क्या था, मैंने नमस्ते की और सबने कहा आप, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे आया। और फिर दूसरे दिन भोजन अवकाश के बाद सबने कहा कि आप आइए ऑफिस में, मैं मिला और 5 मिनट में ही मैं समझ गया कि ये सब संस्थान का पिछला सी स्क्वायर का प्रॉब्लम था, वो शायद अब ठीक हो जाएगा। जब मैं आया तो बड़ा सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि मैं तो 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ, ऐसा मंजर मैंने पहले कभी देखा नहीं था, मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था। मगर जब मैं मिला सर से और 5 मिनट में मुझे आश्वासन मिला कि ये सब ठीक होने जा रहा है, और देखते देखते ठीक हुआ। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ गुरु तेग बहादुर सिंह पे, उससे चमक धमक बढ़ी और चहल पहल बढ़ी, और अकादमिक बड़ा एक डिस्कोर्स चला, उसमें बहुत बड़ा डिस्कोर्स चला, जो फिर से हमारी परंपराओं को, कैसे हम लोग अपने को अलग क्यों एक दूसरे से करते हैं और कैसे जोड़ सकते हैं, वो जुड़ाव की बात उस सम्मेलन में उभर करके आई, और जुड़े हुए हैं सब लोग, कोई अलग नहीं है। फिर हमारे सह अध्येता गण अक्टूबर में आए, उससे और ज़्यादा अच्छा लगा, और सह अध्येता गण आए तो 1 महीना मेरा और अच्छा कट गया, और अभी जो आए हैं वो सब हम साथी हैं। तो रितिका जी से मेरी बराबर मेल आती रहती थी कि मैं आने वाला हूँ, फिर टल जाता था। तो इस पृष्ठभूमि में फिर मैं आया, और जब आया तो मैंने अपने को एक बड़ा भाग्यशाली महसूस किया कि देखते देखते ये जो संस्थान एक किस्म से बड़ा खराब दौर चल रहा था, सुखद यात्रा इसकी शुरू हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सब यहाँ आ रहे हैं, वाइब्रेंसी महसूस कर रहे हैं, और ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों का जो समर्पण है, अब इतनी उम्र में सर चंडीगढ़ से आते हैं, यहाँ काम करते हैं, इतना इसको एक पटरी पर ला रहे हैं, और ये सब पटरी पर तब आएगा जब हम सब लोग जुड़ेंगे। अभी फेलोज का चयन की प्रक्रिया जो है, अध्येताओं के चयन की प्रक्रिया भी लगभग संपन्न हो चुकी है, और अधिक अध्येता आएंगे। संस्थान जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो चीज़ें यहाँ होंगी। तो ये तो एक बात रही। दूसरी बात, जो मेरा ये आज का प्रस्तुति है, मेरा जो विषय था, एक प्रोजेक्ट मेरा यूजीसी में था, और मैंने उसमें उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम था उस पर काम किया था, 2010 में पूरा किया, और दुर्भाग्य से उसके बाद मैं चीफ प्रोक्टर बन गया, तो मैं उसको छाप नहीं पाया। तो मेरा ये संस्थान को, इस संस्थान की सुविधाएं लेने के लिए मैं यहाँ आया था, जो मुझे मिली, तो मैं पहले तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ, संस्थान के जितने भी निदेशक महोदय से लेके, सचिव महोदय से लेके, एकेडमिक रिसोर्स ऑफिसर हैं, सब अध्येता बंधु हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको कि मेरे को इतने लंबे समय तक यहाँ सुविधाएँ मिली, और मैं
कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए कि ऐसा सौभाग्य शायद सबको मिले जैसा मुझे ये संस्थान के द्वारा प्यार और जो सुविधाएं मिली हैं, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, अभिभूत हूँ और मैं अपने मन से जो है आप सबको धन्यवाद देता हूँ संस्थान के और संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ और आगे भी शायद मुझे मिलता रहेगा यहाँ से आशीर्वाद। और ऐसे जो मनीषी हैं इन लोगों की वजह से, निदेशक महोदय और जो अध्यक्ष महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय भी एक मनीषी हैं हमारे, और उन लोगों का जो समर्पण था वो बुरे दौर से उन्होंने इसको निकाल लिया। तो मेरा वो जो अध्ययन था उसका एक चैप्टर मुझे यहाँ तैयार करना था, क्योंकि बाकी तो फील्ड वर्क भेज रहे, 400 पेज का मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है, और मैं किताबें पढ़ता रहा। तो उस पढ़ाई के दौरान मुझे कुछ महसूस हुआ कि ये सब लोग क्या कहते हैं और ये क्यों कहते हैं। क्योंकि हिस्टोरियन हूँ मैं, तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मैं तो वो बात करूँगा कि जो छनकर के सामने आती है उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। किसी ने कह दिया, हमने पढ़ लिया, मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। हम उस पर विचार करेंगे और मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ, फॉर्मल लेक्चर, क्योंकि इधर उधर बात करके बहुत टाइम चला जाता है, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा बात करने के लिए। तो मेरा जो टॉपिक है, जैसे सर ने भी बताया कि इज वैदिक मेडिसिन रिलीजियो मैजिकल, आई हैव एनालाइज्ड द व्यूज ऑफ द हिस्टोरियंस एंड कमेंट्स ऑफ द हिस्टोरियंस इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स व्हिच आई हैव गॉन थ्रू। सो मेडिसिन इज एज ओल्ड एज लाइफ इटसेल्फ। द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज डिमांड्स दैट साइमल्टेनियसली विद द अपीयरेंस ऑफ डिजीज ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट हैव आल्सो इवॉल्वड द मीन्स ऑफ टू कॉम्बैट द डिजीज। The higher animals are guided by the instinct to seek remedies for illness in plants and herbs. Man with his superior intelligence must necessarily have extended the scope of this search for remedies. So if we discount the myth of a Garden of Eden, which man had to abandon when he fell from grace, the Bible says, the thousand ills that flesh is heir to must have afflicted man from his birth. And the dawn of medicine must have synchronized with the dawn of disease. Every human society must have developed a rudimentary system of medicine, whether based on materia medica or in spells, incantations, magic and rituals, which to us in this advanced age may appear meaningless. The progress from this primitive stage to a regular system of medicine has not been on the same lines everywhere. The development of a system of medicine depends on various factors. Its form and content are decided by the civilization and the environment in which it is born. In my present paper, I have tried to analyze the comments of historians on Hindu tradition of medicine, or more appropriately, Vedic tradition of medicine. When I say Vedic tradition of medicine, Ayurveda is included into that. It is not separate from that tradition. So, most of the historians have advanced few arguments while writing on the Vedic tradition of medicine. First argument is that Buddha's philosophy of middle path and Buddhist medicine influenced Ayurveda to develop empirical and scientific approach. Prior to it, it was not that. Second argument is that the Vedic medicine was purely religio-magical, whereas other ancient traditions such as Mesopotamian, Egyptian, and Western traditions of medicines were empirical and scientific. Third argument is that the Vedic tradition of medicine was separate from the Ayurvedic tradition of medicine, and both are independent and different from each other. So, in view of the above arguments, first, I would like to briefly introduce Vedic tradition of medicine, including Ayurveda, and afterwards take up the arguments of historians in the light of the available facts and a comparative analysis of other ancient traditions of medicine. So, I am going to briefly introduce the Vedic system of medicine. References to medicine are found in the earliest texts, including the Vedas. Rigveda mentions the concept of tridosh and tirguna, and several diseases with their treatment. There is a mention of 125 herbal medicines to be found at 107 places in one Aushadhi Sukta. This is in 10th mandal of the Rig Veda. Used for treating diseases and also as preventive medicine, Atharvaveda, precursor of Ayurveda, contains 114 hymns devoted to medical topics, fever, consumption, vidradi, wounds. Vidradi means wounds, ghav. Leprosy, heart disease, epilepsy, and insanity, eye and ear disease, worms, etc., etc. The treatment of disease, chikitsa, in the Atharvaveda is both religious and ritualistic as well as physiological. Under religious and ritualistic treatment, emphasis is on such practice as the sacred utterances, mantras, penances,
एमलेट्स, सेक्रेट ओबलियंस, फास्टिंग एंड प्यूरिफिकेटरी राइट्स, बट अथर्ववेदा आल्सो कंटेन्स मटेरियल अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, हर्बल मेडिसिन, भेषज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, लिंगी व्याधि. रेफरेंस इज मेड टू वांडरिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, चारण वैद्य एंड दोज हु आर ट्रेन्ड इन मेडिकल साइंस वैद्यास. द लीजेंडरी वर्जन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आयुर्वेदिक सिस्टम इज दैट ब्रह्मा रिमाइंडेड इट टू प्रजापति, हु हैंडेड इट डाउन टू आत्रेय पुनर्वसु, एक्सेट्रा. इन ऋग्वेद देर आर रेफरेंसेज टू द फर्स्ट डिवाइन फिजिशियन रुद्र एंड ऑफ हाउ द अश्विनी कुमार्स क्यूर्ड च्यवनऋषि ऑफ सेनिलिटी. देर आर नंबर ऑफ रिक्स एड्रेस्ड टू मरुत, वायु, एक्सेट्रा, इन विच द रेफरेंस टू मेडिसिन इज अनमिस्टेकेबल. ऑल्दो सच रेफरेंसेज आर फाउंड इन ऋग्वेद एज अ सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन इज टू बी फाउंड only in the Ayurveda. Ayurveda is the system of medicine that evolved in India and has survived as a distinct entity from remote antiquity to the present day. The literal meaning of Ayurveda is the science of life, the combination of two Sanskrit words, Ayur, life, and Ved, science of knowledge, science or knowledge. Ayurveda involves a logical convention of harmonious living, and its beginning can be drawn from ancient information in Rigveda and Atharveda. The source of Ayurveda has been lost in ancient relic, yet its ideas and methodologies have been idealized in between 2500 to 600 BC in India, before Christ. The fundamental rule of Ayurvedic treatment contains two basic parts. These are to keep the reason for illness and to make the patient more mindful about the reason for the sickness. The central objectivity of Ayurveda treatment is: Ayurveda deals with happy and unhappy life. It explains what is inappropriate and what is inappropriate in relation to the life, as well as it measures the life expectancy and the quality of life. It is a holistic arrangement of medical services with the idea that the human body is a network of seven fundamental tissues: ras, rakta, mans, medha, asti, majja, and sukra. And the waste reserves of body, for example, excretion, urine, and sweat, which are derived by the five fundamental components: fire, water, air, ether, and earth. Kshiti jal pavan pavak samar gagan samira panchatattva se bana sharira. And three dynamic energies or functional philosophies: vata, pitta, and kapha, tridosh. As I mentioned, it is mentioned in the Rig Veda also. Any unevenness or unsettling influence in these fundamental standards of the body causes disease. Ayurveda treats the patient in general and not the sickness alone. This system of drug highlights the uniqueness of every individual with respect to social conservative status, biopersonality, biosynthetic and physiological conditions, which may prompt a specific kind of ailment. Further, This facilitates investigation with present-day logical methodologies for tending to different human services issues. It would be interesting to study the history of Ayurveda and trace its origin to assess its place in the corpus of the world medicine. The study of the genesis and evolution of ideas in any science is always interesting and often instructive also. But it is not solely as an intellectual exercise that the study of Ayurveda is to be viewed. In spite of the spectacular results achieved by modern medicine, mainly through advances in the physical, chemical, and natural sciences, there are vast areas of diseases which have eluded its therapeutic ambit, and the study of a system of medicine that has stood the test of time may have a fruitful contribution to make it in overall elevation of the human suffering. All primitive societies have had a collection of remedies for common illness evolved through trial and error methods, accident or by an inspiration. But such remedies were purely empirical and not based on a logical understanding of illness or drugs. As late as the 17th century, Mollery referred to physicians as people who poured medicines of which they know little into bodies which they know less.
The Indian system of medicine Ayurveda was evolved as a system with rational and logical foundation. That its basic concepts were not re-examined in the light of the greater understanding of human environment, that for centuries its method of treatment underwent little change, and that there have been no addition to its literature for a long time, are the charges made against the system by its critics. It has to be admitted that after the 8th century, no book of outstanding merit was written, and the literature from then on up to the 16th century consisted mainly of commentaries of the original texts. The last, perhaps, among the original books was Bhav Prakash, Nighantu bhi jisko kehte hain, which is about 400 years old. The fundamentals on which the Ayurvedic system of medicine is based are essentially true for all times and do not change from age to age. Why? Because these fundamentals are based on human factors, on intrinsic causes, not extrinsic causes. Civilization may change, human habits may change, the environment may change, but humanity remains the same. Changes in the environment, new modes of living, new avocations, all might contribute to certain modifications of a disease or the appearance of new diseases. But disease attacks the human, and as long as the human being is very much the same as his ancestor, the reactions to the disease, signs and symptoms would be the same. This is the method adopted by the Ayurveda. That's why there is no need to change it every time. Fundamental research was done, and on the basis of that, this science has been developed. So it is not needed that every time you go for changes, because this hit and trial method is still running. Doctors are treating our body as the laboratory. They are experimenting on us. That's why one drug leads to another drug and leads to another drug and a vicious chain circle. One drug we take have side effects. Cure that side effects, another problem is created. So that vicious circle has to be done away with. And Ayurveda has this mechanism with it. Atharvaveda, the last of the four Veds, contains a description of diseases and the cure of them, as we have mentioned earlier. As an example, we might cite the ancient view of the disease, consumption tuberculosis. It was called consumption akshama. It was characterized as a disease of not one organ, but of several organs. It is in Atharvaveda. Heart, lungs, spleen, intestines, rectum, and even of the bones and marrow. This is proved now today. They are proving it, but it has been written in Atharvaveda. This surprisingly modern view appears in the form of a prayer, the form in which medical instructions appear in Vedic literature, for which the people say that these are the incantations and superstitious things, mantra. What is in this? That? So these mantras are like that. They are formulas basically. So, and even greater degree of anatomical and other knowledge is displayed in certain Upanishads, particularly in Yoga Upanishads. They are 20, which of course belong to a later period than the Vedas. References to drugs, diseases, and health care are all found in the epics. Thus, we see in the Ramayana that experts, physicians attended on kings, and they were capable of preserving dead bodies also. In the Mahabharata, there are references to surgeons attending on the wounded and disabled with all the appliances and equipments in the battlefield. The tradition of medical knowledge is further carried during the period of the Puranas. The systematic development is associated with a few illustrious names, of which two distinguished pupils of Indra, Dhanvantri and Atriya Punarvasu, were great contributors to the ancient Vedic medicine. Dhanvantri, the divine physician, is known as the father of Hindu medicine. Atriya Sanhita is the oldest existing work on Hindu medicine, written by Atriya for the use of his pupils, and it was containing 46,500 verses in all. Agnivesh, pupil of Atriya, was another great contributor after these two, whose period is fixed around 1000 BC. The Agnivesh Tantra Sanhita, written by him, which is classic and has survived to this day, has been made available to the world by Charak. Historically, it would appear that during Charak's time, the Agnivesh Sanhita has fallen into bad shape or partly perished
एंड चरक अंडरटुक द ग्रेट टास्क ऑफ रिस्टोरिंग द वर्क फिलिंग अप द गैप्स एंड रिराइटिंग द पार्ट्स ऑफ द वर्क व्हिच हैड बिकम ऑब्स्क्योर। हाँ अभी बताऊंगा, आगे आ रहा है जी। दिस इज क्लियर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन टू ईच सब्सक्रिप्शन टू ईच चैप्टर इन व्हिच द ऑथर स्टेट दैट ही हैज रिटन द चैप्टर प्रतिसंकृत। हाँ ही हैज नॉट रिटन दैट, ही हैज रिटन ऑन दैट द वर्क हैज अंडरगॉन। दिस इज हाउ द ट्रेडिशन ट्रेवल्स एंड प्रिजर्व एंड कैरी फॉरवर्ड। दिस इज द मैटर वी हैव टू थिंक अपॉन दैट व्हेन वी आई विल गिव द आर्गुमेंट फॉर दिस लेटर ऑन, बट इट इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेडिशन that I am going to narrate through historical texts and practices and contexts. So a further revision of was done by Dirdubala. At least the last 17 chapters devoted to Chikitsa and the whole Kalpa Siddhi stanza have been written by Dirdubala as stated in the colophon of each chapter. Charak Sanhita is written partly in verse and partly in prose. And the language bears a resemblance to that of the Brahmans, Brahman Granth texts. These are commentaries on the Veda in prose. The text is the record of teaching by Atreya Punarvasu to his students, and Agnivesh was one of them. Traditionally, Charak is said to have lived in the period of 1000 to 800 BC, but Western historians, here comes your point, sir, jo kehte hain ki ye kuch nahi, Charak, kyunki wo scientific baat karta hai, to usko piche le jaate. वो कहते हैं वो तो था ही नहीं उस समय, तो ये ट्रेडिशनल इट हैज बीन एक्सेप्टेड, बट वेस्टर्न हिस्टोरियंस कंसिडर ऑफ फोर्थ थर्ड सेंचुरी एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस आल्सो, बट इट इज स्टिल मैटर ऑफ डिबेट। इन एनी केस द चरक संहिता प्रोबेबली रीच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म इन थर्ड और सेकेंड सेंचुरी, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस। द पॉपुलरिटी ऑफ द वर्क कंटिन्यूज टू दिस डे। द वर्क इज अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ मेडिकल information dealing with medical aspects as etiology, symptomatology, treatment and medical care in health and disease. The practitioner who has come to understand the science of life is known as the Vaidya. The physician, the medicine, the attendant and the patient are the four pillars of Ayurveda tradition of medicine. The duty of the physician was to exercise good judgment about his practice. The duty of the attendant was to appear to prepare medicines and perform nursing duties, and the patient's role was to provide accurate history of the disease and follow the physician's instructions. It was important for the physicians to examine his patients and assess his assistants carefully, because if therapy failed, only the physician's competence would be questioned and only he would be responsible. Charak, Susrut and Bhagavat, they claim that they hold the original Ayurveda as revealed by Brahma, which is an upang of Atharvaveda to have consisted of 8 parts. Now I am going to briefly introduce you the 8 parts of the Ayurveda. First part is surgery. It is called Salya Tantra. And this part deals with the description and uses of various surgical instruments and appliances, the preparation and properties of caustics and actual cautery, the methods of removing foreign substances introduced into the body from outside or formed inside the body. Second is Salakya Tantra or minor surgery. It treats of diseases of parts of the body situated above the clavicles, such as the diseases of eyes, nose, mouth, ears, etc., and their treatments. Third is the Kaya Chikitsa or medicine. It deals with the inner medicine, the constitutional diseases of the body, such as fever, diarrhea, hemorrhage, consumption, insanity, and all such disorders. Fourth is the Bhut Vidya, demonology. Equal importance is given to mental health, for which a regime of sadvritti, ethical life, is
प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट मेंटल डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू मॉरल वैल्यूज इज कंसिडर्ड अ प्रीरिक्विजिट फॉर मेंटल हेल्थ इट डिक्टेट्स द रूल्स टू बी ऑब्जर्व इन परफॉर्मिंग द वेरियस रिलीजियस प्रोसीजर्स इन ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस टू द गॉड्स एंड इन कंसिलिएटिंग द प्लेनेटरी इन्फ्लुएंसेज एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू क्योर द मेंटल डिरेंजमेंट्स ड्यू टू बींग पजस्ट बाई ए देव देव और ये असुर और ये गंधर्व और ये यक्ष और ये राक्षस और ये पितृ एंसेस्ट्रल स्पिरिट और ये पिशाच तो दिस इज द फोर्थ चैप्टर इन आयुर्वेदा भूत विद्या फिफ्थ इज द कुमार वृत्य और द साइंस ऑफ पेडियाट्रिक्स इट ट्रीट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड एडवाइजेज अस टू द मीन्स ऑफ रेक्टिफाइंग द मॉर्बिड कंडीशंस ऑफ मिल्क ऑफ द वेटनर्स and of curing various diseases caused by unwholesome milk and planetary influence. Sixth is the Agar Tantra or the toxicology. Agar Tantra or toxicology. It deals with the methods of diagnostic and treatment of the poisonous bites of snakes, insects, spiders, scorpions, mice, etc. and with the means of curing patients suffering from poisoning due to an incompatible combination of food. Seventh is the Rasayan. Or the science of tonics. It treats of medicines which preserve youth, prolong life, promote intelligence, and strengthen and empower to resist the disease. Eighth is the Bajikar Tantra. That is about the sexual problems and virility. It deals with the sexual virility. So, the primary objective of the science of life was the maintenance of health rather than the treatment of disease. Health was not simply the absence of disease, but a state attained and enjoyed only by the vigorous pursuit of an elaborate, individualized program of prophylactic measures prescribed by the Ayurvedic doctor. So, the approach to disease and medicine is very holistic and positive in Ayurveda. This verse from Charak Samhita is worth quoting. I am quoting a verse, the sloka, Narohita ahara vihara sevi, samiksha kari visyesa asakta, दाता समान सत्य पर क्षमावान आपोप सेवी च भवित्य रोगा मतिर बच कर्म सुखानुबंधम सत्वम विधेयम विशदात बुद्धि सत्यम विषयम सत्यम विधेयम विशदाच बुद्धि ज्ञानम तपस्तरता च योगे यस्तितम नानुपतंती रोग इसका मतलब यह है कि हितकर आहार विहार वाला विचारवान विषयों में असक्त दानी संबुद्धि युक्त सत्यनिष्ठ क्षमावान और बड़े लोगों के प्रति सेवा भावी व्यक्ति को रोग नहीं होता सुखद मती मीठा बोलचाल सुखदायी कार्य सच्चाई युक्त आज्ञाकारी निर्मल बुद्धि ज्ञान तप एवं योग में तत्पर व्यक्ति रोगों से नहीं गिरता सुश्रुत संहिता में एक दूसरा श्लोक सुश्रुत संहिता को कोट करता हूँ इसमें लिखा है समदोष समग्निश्च समधातु मलप्रिय प्रसन्न प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्य भी दीयते इसका मतलब यह है कि जिस मनुष्य के दोष वात पित्त और कफ अग्नि जठराग्नि जिसे कहते हैं रसादि सात धातु सम अवस्था में अथवा तथा स्थिर रहते हैं मलमूत्र की क्रिया ठीक होती है और शरीर की सब क्रियाएं समान और उचित हैं और जिसके मन इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न रहे वो मनुष्य स्वस्थ है तो पहले तो ये चीजें करनी चाहिए बीमार हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए तब ये 8 चैप्टर जो है वो बताएगा अब मैं आता हूँ अपने आर्गुमेंट्स ये मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया From our brief and basic details, we know that the origin of Ayurveda is associated with gods. In every text from Rigveda to Atharveda and from Charak Samhita to Ashtanga Hriday. And later on, it transmits through sages to the Vaidyas for the welfare of mankind. So my question is, why it is associated with gods? This question gets different answers and most of the historians term it as a mythological, magical. And so, but it indicates that how ancient and original the knowledge of disease and medicine is. It is as old as human race, the gods, and more importantly, the belief in gods is. The transmission of the medicinal knowledge is also recorded and it transmits through the sages who were spiritual and it penance in the Himalayan region. Which is the repository of diverse precious herbal medicines even today. Also, since it is amply clear that Ayurveda has been accepted
by almost as all the Vedic scholars and historians as an upang of Atharvaveda, and we know that Ved were composed by sages dwelling in the forests after observing, examining, and knowing minutely about the flora and fauna and nature. So their knowledge about the same is quite original, empirical, and scientific. The Ayurveda declares Brahma to be the source, Brahma to be the source of all medicinal knowledge. Indeed, he is said to have composed the original Ayurveda in a 1 lakh shloka or verses. This is so because in Hindu tradition, Brahma is credited with the creation of the universe, and Ayurvedic medicine is all nature based. Hence, Brahma is credited with the composition of Ayurveda also, not literally, but in that way. So, as the Vedic sages were all spiritual people doing penance in the lap of nature, always meditating in, concentrating and observing the nature, its diversity and beauty, searching and realizing God in nature. So, it is but natural that their inspiration is Supreme God Brahma. Thus, the knowledge, and in the present case, knowledge of medicine is derived from the sages directly from Brahma, the Supreme God, through diverse nature, its flora and fauna. In the early Vedic period, only a few deities were more or less in relation with medicine and disease, as Rudra, Ashwins, and others, other gods. But later on, due to growth of population, expansion of agricultural land and activities, animal husbandry, more and more areas came under the influence of human activity. It is in this process later on that new deities related with new activities as well as with medical functions or pest gods also came into picture. Thus, it is from God the physician derives his inspiration, light of knowledge. It is on him he calls for succor. The origin and cessation of life manifests his power. Therefore, in this sense, the ancient Hindus regarded medical science to be of the divine origin. And even today, in critical cases, the modern doctors also ask patients to pray God and have faith in him. When it is a gone case, they also advise this. So it is in this sense that this is originated from Brahma, not literally. This is the spiritual tradition which ultimately seeks resort in divinity. We may note that almost all issues related to human health and its cure are dealt in detail in the Ayurveda or the ancient Hindu medicine, as it is termed by many historians of Indian medicine. In this background, we note that majority of modern historians of medicine or science highly criticized basic medicine as magico-religious, unscientific, or superstitious. Whether he is Kenneth Jisk, or whether he is Vajastak, or whether he is Grigori, or so many others, they do say this, and our historians quote them. They accept their interpretation. That is the most unfortunate thing, that they don't apply their mind while reading though. Historian has to read the text critically. We are just not going to pass the things, but we have to examine whether their interpretation or what they know about our tradition, what they know that how it is evolved and how we are involved in the nature and how nature has protected us and how nature has originated all sort of knowledge. They don't know this because they believe in one God, we believe in multiple gods. Why? Because multiple gods are the manifestations of his divine power. Ekam satpar vipra bahudha badanti. That is the spirit of our divinity, of our faith. Because we also accept that there is a one supreme power. But all these gods are the manifestations of supreme power. Atma and Paramatma, Brahma. Aur Brahma se hi sab kuch nikla hai. Toh hum sab usi ke ansh hain. Toh isliye hum is roop mein dekhte hain. Magar they are not trained into that tradition. Their civilization is totally different. क्योंकि बाइबल में जो ओरिजिन बताया गया वो ये बताया गया कि भूमि पैदा हुई और उसके बाद स्त्री पैदा हुई और आदमी को सब कंज्यूम करना, दैट इज द अप्रोच. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ द सिविलाइजेशन. आई डोंट से इट इज बैड और गुड, बट आई एम पॉइंटिंग आउट द डिफरेंस ऑफ द सिविलाइजेशनल नोट्स. दीज आर द सिविलाइजेशनल नोट्स व्हिच वी हैव टू गो थ्रू व्हाइल द वेस्टर्न हिस्टोरियंस आर राइटिंग अबाउट आवर ट्रेडिशंस. We have to differentiate that in what way they are perceiving our nature, in what way they are perceiving our civilization, in what way they are perceiving and interpreting our knowledge system. That is the important aspect we have to realize and we have to know while going through the text. And that's what I have tried to done. If
आई एम गिविंग माई ओन आर्गूमेंट्स, मे आई एम आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट इन ट्रेडिशन, आई रियलाइज दैट गॉड इज एवरीवेयर, नोबडी कैन चैलेंज मी फ्रॉम, नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट, इट इज माई पर्सनल फेथ, आई एक्सेप्ट. ओके, सो नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. सो दीपक कुमार इज अ वेरी प्रोमिनेंट मॉडर्न मेडिकल हिस्टोरियंस, हिस्ट्री हिस्टोरियन ऑफ साइंस ऑल्सो. सो ही कोट्स जिस्क, केनिथ जिस्क. When he quotes him, he writes, "The Atharva Veda was probably the first repository of ancient Indian medical lore, and these were later transmitted through the Brahmanas, Brahmana texts. It was magico-religious in nature, and incantations were frequently resorted to." This is one thing. Such inferences by historians about Vedic tradition of medicine need to be examined and explained. They consider that if anything scientific or ritual knowledge is in Ayurveda, that is due to Buddha. And a new cult of Buddhist medicine has come up on the sectarian lines to discard Vedic tradition as unscientific and superstitious. To quote Deepak Kumar again, Ayurveda was the science of living. Sense mantras appeared around Buddha's time. I have already given you the chronology of Atharva Veda and Ayurveda, but now I am quoting him. So he says that it is about Buddha's time, and the concept of humerus or dosas, which is central to Ayurveda, is nowhere seen in Vedic literature. I have already quoted that it is in Rig Veda, Tridos. So, nor does it reflect Hippocratic or Galenic thinking. Ayurveda's emphasis on humoral balance, moderation, extra, seems closer to Buddha's middle path, and he assumes that it has come from Buddha's middle path. I gave you the whole background because you can understand when this is happening and how, when they are assuming it to happen, which is not the actuality, because historically chronology should be there, because without chronology you can't just assume and then spread canards. So this inference is a little bit unconvincing for me, at least as a student of history. I can't accept this. Why? I am giving my reasons. First of all, it is widely accepted that Ayurveda is a part of Atharva Veda. Upang, it is called Upang. And it is also unanimously accepted by most of the historians that the later Vedic period lasted up to 800 BC. Later Vedic period. Later Vedic period means all this Vedic literature comes into that. Atharva Veda is the last Veda. And all this is, as you, all this has been accepted that this chronology is also debatable, and debate is going on. But all accept that it is finished within 800 BC. Okay? This point has to be noted, and you please think about it. So, so how it could be possible that Ayurvedic concept of humors was influenced by Buddha's middle path? We know that when Buddha was born. So, this is unconvincing for a student of history at all. The Vedic chronology as fixed by most of the historians is now being questioned in view of recent researches, and now there are few buyers of the same. In the light of the new archaeological sources from Saraswati sites, it is almost clear that Vedic civilization was precursor of Harappan civilization, and thus the date of Atharva Veda would be pushed back by more than 2000 years if we accept this urgent interpretation of the scholars. And Danano has written a very beautiful book on Saraswati, Lost River Saraswati. So if you go through that book, you will find that how scientifically is going to explain all the excavations and all the antiquities which has been discovered from the bed of the Saraswati River. So if we accept that chronology, then Atharva Veda is 2800 back. But if get it so accepted that the present date is 800 BC. So, how it could be possible that this concept of Tridosa is inspired by Buddha? Buddha was born so late? So, in the light of the new archaeological sources, as I have explained, so thus Ayurveda was already in existence before Buddha saw the light of the day. So, it cannot be contemporary to Buddha in any case. Secondly,
As we have mentioned earlier, that Charak, Susrut, and Baghbhat agree on the point that they all hold the original Ayurveda, which is an Upang of Atharveda consisting 8 parts, and this came from Brahma, so it cannot be associated with Buddha, who hardly find any mention in either of these texts. Moreover, Buddha preached Dharma, and due to his compassion and wisdom, he could diagnose the root cause of all mental and physical malaise. In Mahayana Buddhist texts, he is addressed as Vaisajya Guru, Medicine Buddha, for the first time. And when these texts appeared, in Buddhist tradition, the first and primordial healer was Buddha himself, known popularly as Medicine Buddha. He is said to have revealed the teachings embodied in the sacred bodies of texts known as the four medical tantras. What these four medical tantras? Buddha's connection with health goes as far back as the Pali Canon, the primary collection of early scriptures that was first written down in Sri Lanka beginning in the 1st century BC, and is assumed to represent an earlier oral tradition from India. While medical knowledge is by no means the primary concern of these texts, it is mentioned tangentially in a great number of medical metaphors, similes, and analogies, such as frequent comparison of Buddha to a physician and his teaching to medicine. Buddha is considered to be a physician sometimes, but he was a physician for the treatment of diseases in samsara, not a doctor treating physical ailments. Thus, almost five centuries after his death, Buddha was given the epithet of Medicine Buddha by Buddhist monks. This is how Buddha and Buddhist got associated with medicine, and hence the birth of Buddhist medicine took place as late as the 1st century BC. No doubt, Buddhist monks spread the Indian medical knowledge, of course Ayurvedic one, to Greece, Rome, Tibet, China, and from there it transmitted to different parts of the continent as Buddhist medicine. Interestingly, one Boer manuscript is found from Kasgar. Kasgar was already called Kasi. Now it is in Xinjiang province, where the Uyghur Muslims are mostly confined. So from there, a very beautiful manuscript was discovered by Major Boer, and it has been named after him. In that manuscript, the origin of lehsun, garlic, is mentioned, and it is called Amrit. It is mentioned there, yeah. So this has become bogus to dub Vedic medicine as religio-magical, devoid of any scientific approach as well as empirical knowledge. And if anything scientific is there, immediately it is claimed that it is a Buddhist medicine. Buddha himself was a born Hindu who was well aware of Vedic Upanishad tradition. He opposed the superstitions, useless rituals, and impostures which in the name of Dharma shrouded the original Sanatan Dharma or of Ved and Upanishads. He opposed those rituals which manipulated and polluted our original Sanatan Dharma. He was against that, and he did a good thing. So now, in this background, the issue of domination of religion and magic over the Vedic medicine is to be critically examined. Out of the 8 parts of Ayurveda, only one is dedicated to demonology, which deals with the mental problems, and the rest 7 parts are completely rational and scientific. Rahul Peter Das, another historian, also terms the Vedic medicine as essentially a magico-religious system. He further elaborates that in Vedic medicine, causes of disease are not attributed to physiological functions, but rather to external beings or factors of a demonic nature that enter the body of their victims and produce sickness. The removal of such malevolent entities usually involved an elaborate ritual, often drawing on aspects of dominant local religion and nearly always necessitating spiritually potent and efficacious words, actions, and devices. The empirical medicine evident during this period, on the other hand, involved both observation and experience in order to determine the causes of disease and to effect an appropriate treatment. Summing up his ideas on the Vedic medicine, Rahul concludes that the Vedic Indians' attitude towards disease therefore was dominated by the belief that all evil spirits
डीमंस एंड अदर इन मेलबोर्न फोर्सेज इन्वेडेड द बॉडी एंड कॉज देयर विक्टिम्स टू एग्जिबिट स्टेट ऑफ डिसीज. दीज डीमंस वर ऑफन पर्सोनिफाइड एंड डेइफाइड गिविंग राइज टू एन एंटायर पैंथियन ऑफ गॉड्स ऑफ डिजीजेस. द इंपीचस फॉर द अटैक मे हैव कम फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ सर्टेन टैबू, फ्रॉम अ सिन कमिटेड अगेंस्ट द गॉड्स और फ्रॉम विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी. These are the points which he has raised and he has noticed and emphasized on. Injuries such as broken bones or wounds, however, were considered to be accidentally caused by the result of the warfare. Other external diseases and afflictions were noticed to have been caused by noxious insects and vermins, often thought to be demonic in character. But this was the only one aspect of Vedic medicine which was not unique to it. Rather, it had been overwhelmingly present and practiced in the entire ancient and few medieval traditions of medicine. Let me give some examples from other civilizations, how they, their medical traditions in ancient time were. Vedic tradition was more ancient to those traditions, but even though what they were putting into their medicine, we have to examine that also in the contemporary world. So let us have a brief overview of the other ancient traditions of medicine all over. In primitive medicine, the supernatural is involved in all aspects of disease and healing. Because disease and misfortune are attributed to supernatural agents, magic is essential to the prevention, diagnosis, and treatment of diseases. All events must have a cause, visible or invisible. Thus, disease for which there are no obvious immediate causes must be due to ghosts, spirits, gods, sorcery, witchcraft, or the loss of one of individual's special souls. Illness call for consultation with those who have the power to control the supernatural agents of disease. The summons, medicine man, wise woman, diviner, witch smeller, priest, chief soul catcher, or sorcerer. A close examination of the roles and powers assigned to such figures reveals many specific differences, but generally, term healer seems appropriate for those things. However, we should notice that most societies differentiate between healer and herbalists also, who dispense ordinary remedies, and the summons or priests like healers who can intercede with these spirits that affect weather, harvests, hunting, warfare, conception, childbirth, disease, and misfortune. In most Mesopotamian civilization, illness was regarded as a divine punishment for sins committed by patient. Healing required the spiritual and physical catharsis obtained by combining confession and exorcism with purgative drugs, as Dr. Shukla has already pointed out that what the healer means and why he is required. So this separation of magical and empirical aspects of medicine is a very recent development. Thus, it should not be surprising that Mesopotamian patients considered it prudent to attack disease with a combination of magic and medicine. A healer who was both priest and a physician could increase the efficacy of drugs by reciting appropriate incantations. Although the healer needed to some knowledge of anatomy and drug lore, precise knowledge of magical rituals was more important, because errors in this department could alienate the gods. Similarly, the Egyptians also used magic and healing for getting rid of disease, and priest physicians were expected to conduct a detailed examination of patient in order to observe symptoms and elicit signs. Not all Egyptian healers were priests. Lay physicians and magicians also offered their special services to the sick. In the epics of Homer, the gods play an active role in every area of life, including health and sickness. Apollo sends arrows that cause disease and death. It is in Iliad. Whereas demonies, unseen supernatural powers, might cause them as well, as it is in Odyssey. The early Greeks regarded disease as retributive, the result of having offended a god or violated a sacred taboo. Only after the offense was removed, the community purified, and the gods propitiated, would the disease be averted. Greeks sought healing of supernaturally caused disease from itromontes, someone like healers.
Atomantes traveled from city to city and purified communities from divine pollution as in the early 6th century BC. It is the status when our author Veda was completed, Rakshita was completed. It was that time that the people were using these tools for curing the patients and taking care of the disease. So, the Western medical theory for the 2000 years prior to the Enlightenment and scientific revolution was based on the Greek humoral theory articulated by Hippocrates of Kos in the 5th century BC. He formulated a medical theory grounded in metaphysics wherein body and cosmos are coterminous. Early Greek and Arabic medicine imbibed many concepts of Ayurveda. As I've already mentioned that they were spread world over. So they imbibed those things from Ayurveda. And ancient Greek diagnostic and therapeutic methods like those of India's Ayurvedic medicine address the proportionality of elements constituting both patient and medicinal and pathogenic substances. As in Ayurveda, the goal of diagnosis in the Hippocratic tradition was to obtain a total unified picture of the patient's condition because the whole body was felt to be involved in any illness that befell it. In Greece, as in India, the doctrine of humors is a medical formulation of a cosmic physiology dominated by the themes of circulation of fluids and a chain of successive cooking of nutrients by the sun, the cooking fire, and the digestion. The divergence of the ancient Greco-Latin and Indian medical tradition is Ayurveda's conceptualization of vast combinative system of humors and qualities. There is a remarkable similarity between Greek and Indian views of the patient, not merely as a body, but a person with a consciousness and unique circumstances who is physically and in other ways part of the world. On such an interpretation of the person, the healing art is concerned with the restoring equilibrium within the patient and between the patient and the environment, and potentiating the body's innate power to heal. In early modern period, beginning in the 17th century, rise of empirical science meant a revolutionary change in medicine's approach to the body. Symbolized by the study of cadavers and marked by an emphasis on the concrete structure of the body regarded as an intricately a complex machine. Body has been regarded as a complex machine by the modern doctors and modern medicine. It is not our body, it is a machine, complicated machine. So that's why experiments are being done with us. If you go, you are not sure that you will return back because maybe something different has been injected into you and life is finished. We have seen these things. So experiments are going on. Medicine in traditional China, now let me talk about China also, encompassed a range of sometimes health and healing practices, folk beliefs, Confucian philosophy, herbal remedies, food, diet, and exercise, medical specialization, and schools of thoughts. So it makes their medicinal system in its entirety. Even today, modern medicine cannot claim to be absolutely free from religious influence. Why? In conclusion of a research article entitled The Religious Features of Scientific Medicine, Fender Fool writes, I am writing his conclusion of a research paper, he's a doctor. So he says that the practice of medicine unknowingly manifests 7 of the 10 features of religion is fraught with danger and delusion. Physicians, scholars in various disciplines, theologians, and others may believe that scientific medicine should cast away its religious characteristics. Pragmatically, that is probably impossible. This exposition indicates that attempting that would radically and arguably destructively transform medical practice. In lieu of that alternative, the religious features of scientific medicine should be acknowledged as the first step towards new level of critical scrutiny and reform. Thus, we know that religion magic has been a very basic component of medicine in all cultures and societies right from the beginning,
एंड वैदिक सोसाइटी कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन. विजय कुमार ठाकुर क्रिटिसाइज द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन वैदिक मेडिसिन एंड ही राइट्स, आई कोट हिम, द प्रोसेस विच बिगेन विद द यजुर्वेदा एंड द अथर्वेदा, दो इन द गार्व एंड अंडर द स्पेल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, matured by the time the Charak Samhita came to be combined during the early centuries of the Christian era. He is separating Ayurveda with Vedic tradition of medicine. So Thakur does not want to give any credit to Vedic sages, who after meticulous experiments came up with one of the most ancient medical traditions. Charak and Susrut expressed their gratitude to Vedic sages for the knowledge of medicine and duly acknowledged the same. We know that disease and medicine in all ancient cultures evolved from religious scriptures, as I have quoted above, given different examples, and it was necessarily the part of religious life. At all times and in almost every culture, a connection between medicine and religion is demonstrable. The belief that by soliciting divine intervention through prayer and ritual, no disease is incurable, cuts across cultural boundaries. In the traditional medicine, this element plays a major role in all societies. Traditional medicine has often been dismissed as mere superstitions, but it has much in common with the medical practices of ancient civilizations and with folk beliefs that persist and flourish alongside modern medicine. Accounts of the medicine of traditional societies often overemphasize exotic and medical aspects, leaving the impression that an unbridgeable chasm exists between the medical systems and those of modern societies. However, the customs that seem bizarre in one culture are sometimes similar to our own quaint and charming folk practices. When we analyze traditional and folk medicine, the apparent cures of specific details can generally be reduced to a few almost universal themes. Folk medicine, like traditional medicine, generally views disease as a malevolent invader and the body as a battlefield. So we call the disease has attacked, or we are fighting off the disease to get it away. The doctrine of signatures is another guiding principle of folk medicine. According to this concept, God has furnished the world with disease and remedies and has taught us that nothing exists without a purpose. Therefore, we may assume that God has marked potential remedies with some sign hinting that at their medicinal virtues. In addition to herbs, animal parts and products and minerals, folk remedies include charms, spells, prayers, relics, amulets, and images of gods and saints. The healer, like the professional carpenter who fixed something broken, was also known to be one who repaired the fracture, suggesting that one of his professional activities was the setting of bones. Vedic healing ritual always required the recitation of religious incantations or charms. An analysis of such verses illustrates certain apostrophic devices, which include the use of sympathetic magic, of the rhetorical question, of onomatopoeic sounds, of the identified name, of the esoteric word or phrase, which, when properly uttered, focus the demon's attention on the healer, leading to its less of grip and power. Diseased demons were often transferred from the patient to the enemies, or less desirable people dispelled into the ground or carried away by birds to places where they could no longer be a menace to the community. Amulets or taslimans of vegetable origin were ritually bound to drive out demons, to act as a prophylactic measures in preventing further attacks. Kitna time ho raha hai sir? Bas kar dunga main 15 minute dijiye, 15 minute mein. थोड़ा कंक्लूजन जरा ठीक आ जाना चाहिए. मैं बहुत तेज पढ़ रहा हूँ हालांकि, पर बीच बीच में एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है. फ्रेग्रेंट प्लांट सब्सटेंसेस वर बर्न्ड टू हेल्प एक्सपेल द पेशेंट्स डेमन, टू प्रोटेक्ट हिम एंड टू मेक हिज एनवायरमेंट प्योर एंड जनरली फेवरेबल फॉर हीलिंग. हाँ चलो, आधा घंटा छोड़ेंगे ना, चिंता मत करिए, मैं कर दूंगा.
पाँच मिनट देर चल जाएगी चर्चा, क्या आप 6 बजे तक बिठा दीजिए कुछ। तिवारी जी दर्शन शास्त्र कहाँ समोसे के चक्कर में पड़े। अर्ली सो मिथोलॉजी, सो मिथोलॉजी आल्सो फॉर्म्ड ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द चार्म्स एंड हिम्स रिसाइटेड बाय द हीलर। मेजर डिजीज डेमन्स इन एडिशन टू बीइंग डेइफाइड वर ऑफन मिथोलॉजाइज्ड, पॉइंटिंग टू द इम्पोर्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे हैड ऑन पीपल। लाइकवाइज सर्टेन क्यूरेटिव हर्ब्स वर गिवन मिथिकल बिगिनिंग्स, ऑफन पर्सोनिफाइड एंड वर्शिप्ड। व्हाई आई एम रीडिंग यू विल नाउ कम टू नो दिस। And worshipped as gods and more commonly as goddesses. The uttering of mythological stories about plant divinities imbued the herbs and plants used in the rite with supernatural powers, and therefore made them extremely part of the Vedic Indians' medical tradition and gave rise to an elaborate pharmacopoeia, which is evident in all phases of Indian medical history. Even Britishers, they have, on the basis of this knowledge, they wrote huge taxonomy and economic botany and collected medicinal plants and took away, and they are producing the medicine out of that. Those were used in ancient time, and they took away these things from there, but never give credit. As far as we can gather from the texts, the ancient practice of divination, what means other than astrology, often encountered in antique medicine, was not employed by the Vedic healers. Diagnosis and prognosis were rather undertaken by the isolation and identification of dominant and recurring symptoms, many of which were considered to be separate demonic entities. This technique illustrates the importance which the recording of observable facts played in Vedic medicine. Various characteristics of a patient were noticed, given names, and recorded. Plants and herbs were also put under the same rigorous scrutiny, and their important features and qualities noted. The technique was a method for recording valuable facts and is an example of the very beginning of the Indians' empirical mode of thought, exemplified in their penchant for enumeration, so prevalent in later Indian philosophical, religious, and scientific literature. I skip some part of it. So, these ideas have survived in classical medicine, but not in the focal points of the doctrines. They have been preserved mainly in the common beliefs and fold of the society, and have been introduced in the medical texts by the pressure of later without being integrated in their system of more scientific explanations. But question arises as to why people follow and something. Follow and believe something which has no basis. In the present age of scientific progress and great achievements, still we are not able to solve the vital questions of life and death. There are many secrets which have not been and cannot be answered by science alone. Vedic tradition and philosophy provides solutions to tricky questions of life, human life. Mental peace and satisfaction is must for God. Good health and Vedic way of life provides this. Harmony with nature and all living beings is the crux of Vedic philosophy and Vedic medicine. The demonology or Bhutvidya of Ayurveda is not a unique practice. There are similar practices in Western and other Asian cultures. Jesus Christ has been acknowledged as the greatest healer. Jesus is recorded as having performed many miraculous healings, which included restoring to health, among others, the blind, the dumb, the deaf, the lame, and lepers, but there is no evidence of empirical method adopted by him. In general, the trait shared by all forms of so-called primitive medicine is supernatural orientation, a belief in magic. Magic in this context is not a trivial concept. It has influenced and shaped human behavior more deeply and extensively than the scientific or rationalist modes of thought, as we are pleased to call all our way of explaining the world. In societies where both magical and scientific beliefs coexist, one cannot predict which will appear stronger
और मोर इन्फ्लुएंशियल। इंडीड पीपुल मे वेसिलेट बिटवीन अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस, परहैप्स लाइंग ऑन मॉडर्न मेडिसिन फॉर अ ब्रोकन आर्म एंड अ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। Practitioners of modern medicine find it difficult to believe that the obvious superiority of scientific medicine has not caused the disappearance of all other systems. Nevertheless, traditional and alternative medicines continue to flourish from Africa to China to England to and America. On the other hand, traditional medicine has been influenced by modern theory and practice. Today's shamans may dispense both penicillin and incantations to combat germs and evil spirits. In modern times, psychiatry is taken care, but this is still not fully, and a large number of patients do visit healers for such mental problems. In medieval and pre-modern Europe, cases of mental illness were generally believed to be the spirit, to be of spirit or demonic possession. The treatment of mental disorders or psychiatric cases under scientific medicine is done by trained psychiatrists, and no more people do believe in demonological possession and visit helpers, healers. But this is far from the reality. In a recent research paper published by Rodri Hayward, he gives a different picture. To quote him, I am quoting him, despite the trumpetist myths of modern psychiatry, the doctrine of demon possession had never completely disappeared. It had endured as an explanation among fundamentalist doctors and media men. In 1875, Sir James Risdon Bennett, the fiercely nonconformist president of the Royal College of Physicians, defended the biblical veracity of Christ's diagnosis of modern demon possession and argued that this affliction persisted among the population of Britain in asylums. It is as late as 1875, after well-researched, documented research, he wrote this paper and he has given this data. This is not the case with Christians or Western modern society only, but it also applies to all modern human societies. Healers are also functioning as psychiatrists, though trained traditionally, but heal up the mentally traumatized or abnormal patients in their own method. The Vedic medicine is not completely dedicated to demonology and religio-magical measures, but it also speaks at length about herbs and plants, which if used as prescribed, cures the disease and the persons. Ayurveda is itself a part of Veda, and it evolved out of Vedic tradition of medicine. So, a part in Ayurveda dedicated to demonology is also the continuation of Vedic medicine, but it does not make it heavily religio-magical and unscientific, as dubbed by many of the modern historians of medicine. In view of the above arguments that Vedic medicine and Ayurveda both are separate and independent traditions of medicine, also does not hold any ground. The origins of Ayurveda are evident in Atharvaveda, in which both religious, mantric and medical pharmacological approaches to healing are represented. The reverence for Vedic medicine in the earliest Ayurvedic treatises of Vel, Charak and Susruta made it clear that the very fundamentals of Ayurveda originated from the Vedic medicine itself. In actual practice, however, a few of these early techniques seem to have survived. As an example, magico-religious utterances or mantras, which form the cornerstone of Vedic medicine, are found to have been used principally in five ways: treatment of swelling or tumors and wounds or sores, sotha varna, the treatment of poison, vis, the treatment of mental disorders, the treatment of fever, jwara, and the collection and preparation of certain medicines. Parallels in Vedic medicine occur for each category. So, often the similarities between the archaic and the Ayurvedic uses of mantras are remarkable. Vertices of Vedic medicines are clearly represented by these five groups.
The occasional use of magico-religious medicine, however, implies that Ayurvedic medicine not only improved upon the Vedic medicine, but also expanded the scope of its formally established Vedic medical tradition. Sushruta accepts that he has got knowledge of medicine from Vedic tradition. Thus, Ayurveda is expansion and continuation of Vedic medical tradition with scientific methods. The theoretical foundation of early Ayurvedic medicine seemed to provide rather more rational than magical and religious explanations of the disease and cure. Although magical treatment in the form of tantric rituals got popularity among the public from the very beginning, and it became an essential part of the traditional healthcare system. That's how the tantric rituals and healings came into the practical life. A very senior Dr. Prasad, in a research paper, examined in detail the medicine in Atharvaveda and its contribution to the growth or evolution of Ayurveda, and surmised that Ayurveda is not separate from Vedic tradition of medicine, rather it is evolution of the same. I am quoting him. This is the last quote and last paragraph and last of my paper also. Yeah. So it is therefore, I quote him, it is therefore quite natural for us to look upon the Vedic Sanhitas as a channel through which this continuous tradition of Indian medical science has reached down to the earliest systematizers, means Charak, Sushruta, Veda. Hence, it does not come as a surprise if the Vedic Sanhitas contain ample material bearing on diseases and medicines. Therefore, we are required to look upon Vedic medicine as a part of tradition from which they probably, Ayurveda was gradually evolved. To conclude, Ayurveda has been rightly referred as Upaved or Upang of Atharvaveda. That's what I have to say. Thank you very much for listening to me. Thank you. हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत डायरेक्टर साहब अभी कहीं बाहर गए आपने बहुत महत्वपूर्ण तीन बिंदुओं को उठाया जिसके आधार पर पाश्चात्य विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों का अनुकरण करने वाले जो भारतीय विद्वान हैं, भारतीय अध्येता इतिहासकार हैं, वो किस तरह से अपना जो आयुर्वेदिक परंपरा है उसको किसी तरह से नीचा दिखाने के डाइल्यूट करने का प्रयत्न करते हैं तो वो तीनों बिंदु आपने उठाए और बहुत अच्छी तरह से उनका परिचय दिया और उनका विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण तर्कों से प्रस्तुत किया ये तो सामान्यतः आपने आयुर्वेद के विषय में कहा लेकिन भारत का जो भी हमारा इंडिक नॉलेज है जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख क्षेत्र हैं चाहे वो दर्शन हो चाहे व्याकरण हो चाहे चिकित्सा हो इसी तरह से लोगों के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा डिनाइन किया गया अब जैसे रिलीजियो मैजिकल की बात है अथर्ववेद हम जानते हैं कि सबसे अधिक उसमें ये सामग्री है चिकित्सा की और उसके मंत्रों को कई भागों में बांटा गया है तो उसमें भैषज्ञानी अलग है आभिचारिकाणी अलग है जो इनकांटेशन की बात है जो जो रिलीजियो मैजिकल की बात है वो अलग है और पौष्टिक मंत्र और भैषज्ञ मंत्र ये अलग हैं तो उसको नजरअंदाज करके सबको आप आभिचारिक कह देना ये ठीक बात नहीं है दूसरी चीज जो है जो गॉड्स से संबंधित है तो हमारा जो देवता तत्व है उसको नहीं समझने के कारण ही ये मूर्खताएं होती हैं हमारे यहाँ जो देवता है वो कहीं सातवें आसमान पर कुर्सी अर्श पर बैठा हुआ कोई ऐसा इब्राहिमी गॉड नहीं है
सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायुर्देवता, आपो देवता, ये मंत्र है बाकायदा। हमारे यहाँ जो वायु है, जल है, वो सब देवता हैं, और बाकायदा वेदों में उनके लिए मंत्र है। आपो हिष्ठा वयो भुवः तानम ये दधाति, सप्तो देवी गणिष्ठये, आपो भवन्तु पीतये, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को ठीक से देवता तत्व को नहीं जानने के कारण और भारत की विज्ञान ज्ञान पद्धति को ठीक से नहीं जानने के कारण, या जानने के बावजूद कहीं उनका महत्व प्रतिष्ठापित ना हो जाए, इसकी आशंका के कारण उन्होंने ये इस प्रकार का नीचा दिखाने का प्रयास किया था। और हम जो आधुनिक अध्येता हैं वो उनको परम प्रमाण के रूप में वोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, नतशिरा होकर के बिल्कुल हाथ जोड़ करके उनको मानते हैं। उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो औपनिवेशिकता की जो आपने बात कही वो है। इसके अलावा मूल स्रोतों से हमारी जो दूरी है वो बहुत बड़ा कारण है। मूल स्रोतों को आप उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक और मानसिक इत्यादि बहुत सारे कारण हैं। वो आपने इन सारे विचार नहीं किया, उपचार किया। प्रश्न उत्तर के लिए, चर्चा के लिए वस्तुतः आमंत्रित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन, अच्छा, अरे क्या बात है भाड़ा साहब, यदि आप सुन रहे हो तो आपका स्वागत है। आप नहीं सुन रहे हैं तब भी आपकी उपस्थिति का स्वागत है। हाँ है ना, अरे वाह क्या बात है, वाह वाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, शायद आप कार में हैं। आप फिर करें, तब तक हम दूसरे प्रश्नों को लेते हैं। आवाज नहीं आ रही सर, यहाँ से तुगत कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं। ठीक है, हम बाद में आपके पास आते हैं। अभी यहाँ उपस्थित सदस्यों से, श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित करते हैं। जी आप Established scientific paradigm, still we use those things. Whenever you, if you are in a rural area near to nature, because I think that the Vedic civilization is the nature oriented civilization. It germinated in the nature, it culminated in the nature, it flourished in the nature. So when I say that all the plants, they examined, experimented, and then they experimented first on themselves and then they wrote the sukta. So that's how the toxicology was also treated by the plants. It is a pure scientific. And sometimes mantras are there still. What is on those mantras? Let me give you an example of the this maximum thing. The most covered disease was the fever. Takuman. It was called Takuman in Rigveda. And it was called the missile of Indra. Why Vijayalo Pindra? Because it was noticed that earlier times and the reason is that when I studied that in the field, in the rural area, I noticed that why that is there. It is because when it rains, it produces large number of gas, and that because of that gas,
sometimes people will get affected and they have this. So the cure for that is the conjuring of a particular oil with the water. And with incantations of mantras, why incantations of mantras as could I could understand after my field examination and study, I saw the role of mantras because at that time when first of all mantras are containing the names of those plants. Secondly, when you go to get some medicine, it was expecting that you request the plant, please give us your blessing. Why? Now scientifically it has been proved that the plants also do real happiness and happiness. They also are sad and happy. Okay. It is scientifically proved. So if we go and cut somebody, how will we react? What will be the change in the chemicals? What type of chemicals will be produced inside the body? When we get afraid of something and think that, oh, we are going to get, we are going to die. Sudden, we start and the production of the release of the chemicals takes place in the body. If we go and cut any plant at any time, then it is not going to give you that much, you know, efficacy. So the mantras are for that. And then when you take the medicine, then you conjure it. Why do you conjure it? It is because of two reasons. One reason is that you are, if time was fixed for a mantra, now and the proper words are to be, you have also quoted that proper words are to be chanted, pronounced. There is a very great impact of the sound on the system. So that one because of that and another because of the timing. For how long you have to process that with that plant or that herb being prepared as a medicine, that depends on the time of the chanting of the mantra. So in that way, that chemical composition of the very plant changes, gets changes, and it becomes a medicine and it is applied then. If he again says in that. This and then they get into our body and affect us, and then we think that we are inflicted. But it is the infection, actually. And to treat that in that way, that. बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने उसका प्रश्न का उत्तर दिया। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जितने भी कर्मकांड के अंश होते हैं या अंग होते हैं, उनके साथ हम देखते हैं कि कोई ना कोई मंत्र पढ़ा जाता है। तो प्रश्न उठता है मीमांसा में, मीमांसा जो कि इसका शास्त्र है, कि क्यों आप मंत्र पढ़ रहे हैं? आप सब कुछ जानते हैं, आप उठा रहे हैं, ले आ रहे हैं उसको, या घी डाल रहे हैं, तो मंत्र क्यों? तो मंत्र शब्द, मंत्र एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म है। मंत्र उन वेद के भागों को कहते हैं जो उस प्रयोग विशेष के स्मारक हैं। प्रयोग विशेष स्मारकाः मंत्राः। तो बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि उन मंत्रों का उन प्रयोगों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनका संबंध होता है। जैसे आपने कहा कि उनमें उन औषधियों का नाम होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वे मंत्र बहुत ही सूत्रात्मक शैली से लिखे गए हैं, तो बार बार उन मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो हमारी श्रुति परंपरा में विद्यमान रहते हैं हमेशा। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए शनि का कोई मंत्र है, शमनो देवी रभीष्टे, वहां उसका वस्तुतः शनि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई बार उनको बार बार पढ़ने का तात्पर्य ये भी होता है कि वे मंत्र हमारी श्रुति परंपरा में हमेशा विद्यमान और सुरक्षित रहे। तो उन मंत्रों के बहुत सारे उपयोग हैं, मल्टीपर्पज हैं वो, और अधिकतर वो इसलिए होते हैं कि उसमें सूत्र रूप में वो सारी प्रक्रिया बताई गई होती है। यद्यपि उस वैद्य को वो प्रक्रिया पता है, फिर भी उस मंत्रों के उच्चारण पूर्वक ही उसको वो अभिचार या वो कार्य करना होता है। मैं डॉक्टर अलका त्यागी जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना आपका तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। यहाँ
इसको यूज कीजिए, आवाज आएगी आप। मैजिकल इसी को इसी के साथ कंफर्म करते हुए कि वी आर इन अ वे डिफाइन दिस आइडिया ऑफ साइंस दैट bring it into the realm of scientific discourse, and we have to challenge the very notion of science, the very notion of scientific, because in the Western world, what is science? Science that can be objectively proven, that means grossly seen with the senses. And the senses, we, in our Indian knowledge system, we feel the senses are a very gross aspect of our being. Right. In yogic, in yogic terminology, there are five koshas. The body itself is like five bodies. Right. Annamaya kosha, then pranamaya, manomaya, and anandamaya kosha. So the manomaya kosha, the underworld. Their idea of science, we should like, you know, cut the idea of science and bring it to discourse that we are something. Thank you for that. You have very rightly pointed out, madam, and since I am a student of history, so the what history is of that field is being taught, propagated, and preached, that has to be contested for a history, a student of history. That's why I did both things. One way, I am proving that it is scientific. Another way, I am responding to their, you know, very illogical and biased questions. Historian is not supposed to be biased. I don't have any objection. If Vedic medicine had it been religious medicine, I would have not raised the questions. But it is not that. So why the historians, particularly those who have researched for lifelong, why they have been doing this? This is the duty of a student of history to pertinently answer the questions. How they are going to set a narrative? That narrative has to be devastated first, and then because it has been proved in laboratories, and I told that the laboratory of the Vedic rishis was the cold mixture. So they did that. After that only they produced a sukta, as you are very rightly saying, sir. Sukta is not a sloka. It is a formula. If you divide it, four throughout his life. Why? Because he has been deeply rooted into that, and he, when we study his four suktas, we know in and out of that very particular point. Just as Chyawandishi, he invented that Chyawanpras. We are using his name, but not honoring that tradition. Why? For commercial purpose, we are selling Chyawanpras. But where from the idea of Chyawanpras came, and why it is so vital even today? It is so vital even today because of that formula which he produced throughout his life, after having focus on these things and studying the nature and getting things from the air and experimenting. Kautilya produced the Viskanya, but he tested the poison on himself first.
He tested that, every type of poison, and he also first the antidote of that poison. So when we establish things in the history, then it goes into here and then the scientist to work. The basic idea is that if we are teaching this history or learning these things, that we are useless people. So I'm Brahmasmi. That idea has to be generated. I'm Brahmasmi. If we have that confidence and we are doing this, then we feel where Brahma is. Thank you. बहुत अच्छा. आपका जो प्रश्न था वो वस्तुतः एक विडंबना की ओर संकेत करता है कि हमें क्यों उनकी धारणाओं को, चाहे वो गलत ही हो, मानने रहे हैं, उनका खंडन क्यों करना पड़ता है. एक्चुअली वो उनके लिए खंडन नहीं होता है, ये अपने लोगों के लिए खंडन होता है जो उनके 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 विचारों पर मातुम अभूत है, जिसको अरबी में कहते हैं, जो अत्यंत उससे एंचेंटेड है. तो और कोई प्रश्न अगर. हाँ जरूर. नहीं, आप ही लोगों का शुरू है. और ये आवश्यक नहीं है. पूजा जी भी कुछ कह रहे हो, संदीप जी कुछ कह रहे हैं. एक चीज ये आवश्यक नहीं है कि आप खंडन भी कर लें, आप अंग्रेजी में भी खंडन कर लें, आप उनके सारे तर्कों का खंडन कर लें, तो आवश्यक नहीं है कि आपकी बात मान ही ली जाए. हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टैगोर फेलो थे प्रोफेसर राजू, और वो अपनी पूरी जान लगा करके जीवन भर खंडन करते रहे वैदेशिकों का, लेकिन हमारी निद्रा इतनी गाढ़ी और गहरी है कि उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं. और क्या अद्भुत वक्ता, अद्भुत अंग्रेजी, मतलब कुछ भी कर लें आप, वो जो गुलामी की मनोवृत्ति है वो जाने वाली नहीं है फिलहाल. तो ऐसा लग, आप पूछें. बहुत बहुत धन्यवाद. वास्तव में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज को रखूंगा आपके समक्ष. मेरा कंसर्न नहीं है कि वेस्टर्न थिंकर्स क्या कह रहे हैं हमारी ट्रेडिशन के बारे में. मेरा कंसर्न ये भी नहीं है कि हमारे अपने लोग उनसे कितना अभिभूत होकर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं. हमारे अपने लोग जिन्होंने परंपरा में स्थान पाया है वो क्या कह रहे हैं, मेरा कंसर्न वो. तो उसमें एक संकेत मैं ये करूँगा कि वेद क्या है, इसके बारे में परंपरागत मतभेद है. एक तो जो है वो संहिता को ही सिर्फ वेद कहते हैं, बाकी जो है ब्राह्मण और बाकी स्मृति ग्रंथ हैं उसको नहीं मानते. दूसरे वो हैं जो मंत्र ब्राह्मणयो वेदनाधेयम ये करते हैं, तो वो भी ये जो उपांग है ये सबको एक तरह से वेद से बाहर मानते हैं, वेद के अंग उस सेंस में नहीं मानते हैं. तो आपने दो बातें कही हैं. एक जगह आपने कहा कि आयुर्वेद वेद का भाग, अथर्ववेद का उपांग है. एक तो वो उसका भाग है और दूसरा वो उसका एक्सपेंशन है. ये दोनों बात एक साथ कहना शायद मुझे लगता है लॉजिकली डिफिकल्ट. दर्शन शास्त्र की भाषा में नहीं होगा, मगर इतिहास की भाषा में है, क्योंकि मैंने आपको बताया दर्शन शास्त्र की भाषा में नहीं हो सकता है, पर इतिहास की भाषा में, इसलिए कि मैंने क्रोनोलॉजी के लिए आपको बताया कि अथर्ववेद में 120 जो मंत्र है वो उससे रिलेटेड है, बाकी एक्सपेंशन होता रहा. आप पौधा लगाया, आपने नापा इतने इंच का है, मगर आप 6 साल बाद कहेंगे ये तो कुछ और हो गया, मगर हम नहीं मानते क्योंकि जड़ें तो वही है ना. दूसरा एक इनका खत्म कर दे बस. एक पूजा जी एक इसमें आप पूजा जी संदीप जी इसी से जुड़ा हुआ है. जब बुद्ध की बात आई तो कुछ ज्यादा इमोशनल ढंग से भी बोले. नहीं, इमोशनल नहीं बोला मैं, आर्गुमेंट. देयर इज नो इमोशन. वही आर्गुमेंट देने में जब आप ज्यादा इतिहासकारों में कहां इमोशन. इतिहासकार नीरस होते हैं, तो उसमें आप मुझे भी गाली दे दोगे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला. तो दर्शन शास्त्र ऊपर से मैं अगर लॉजिकली दे रहे हैं तो लॉजिकली दे रहे काट देंगे. बुद्ध के एडवोकेट के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बौद्ध परंपरा का जो आयुर्वेद की परंपरा में योगदान है
मैंने कंडेम कहाँ किया उसको, मैंने कंडेम, मैंने सिर्फ ये बोला कि ये परंपरा कहाँ से आई, और मैंने तो अप्रिशिएट किया कि उन्होंने हमारा परंपरा का प्रचार किया। कासगर का मैंने एग्जाम्पल दिया, ग्रीक का एग्जाम्पल दिया, रोम का एग्जाम्पल दिया, आपने सुना नहीं क्या वो चीज़? मैं सिर्फ तो फिर वो तो दे आर ग्रेट कंट्रीब्यूटर, मैंने कहा ना उन्होंने, मैंने उनको कंट्रीब्यूट उनका उनको अप्रिशिएट किया कि दे स्प्रेड अवर ट्रेडिशन टू फार अवे वेयर वी कुड नॉट गो। प्रश्न कुछ और, प्रश्न पूरा कर लीजिए। प्रश्न वास्तव में जो जो इन्होंने कहा उससे अभी कुछ जो बोल रहे हैं पूरा कर लीजिए, पूरा वो प्रश्न प्रश्न अभी जो आपने कहा ये आपके पेपर में नहीं, वो जो मैंने सुना हो सकता है गलती, पेपर में है साहब, कोई बात नहीं, आप प्रश्न पूरा कर लीजिए। अगर बौद्ध परंपरा ने आयुर्वेद में योगदान किया है तो उस ये कहना कि बौद्ध का आयुर्वेद से ये कहां का बीच में देखिएगा। अरे मेरी मेडिसिन से कहा, आयुर्वेद ने कहा मेडिसिन से कहा, मैंने कहा उनकी जो मेडिसिन थी दुनिया की दुखों को दूर करने के लिए थी। हाँ ये कहा जी। अरे फिलोसॉफिकल वैद्य थे आप, शायद किसी उसमें चले गए, समोसा के चक्कर पड़ गए। नहीं उनका तो ठीक है, चुप कर हो गया। पूजा जी आप पूछिए, वो पहले आप पढ़ लीजिएगा मेरा पेपर प्लीज। प्लीज प्रोसीड। कैसे कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला? मैंने बोला, क्या बात है। That you are very very right, but I am a history person. I think go to the past, and I give lesson for the future. So adopting is your adopting is society's business. I am giving you a journey. So everything. Thinking that we are going to be more modern, and the things they are being now just neglected or they are not being accepted by Western women, which we are going to accept today. So that is, you know, very good idea, and people should accept. If everything good is there anywhere, we are not. I have just quoted the historian. It is not my personal thing, nothing personal. So on the basis of records and history.
स्प्रिंगर, यस, वो साल स्प्रिंगर। सो हाँ संदीप जी, संदीप जी, जी जी मैंने जो बताया आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जो मेजर टेक्स्ट हैं, और भव प्रकाश का जो है भव प्रकाश निघंटू है ना, ये सब हैं, और बाकी जो हिस्टोरियंस जिनका मैंने बताया उनका ये सब। वेरी गुड क्वेश्चन, मे बी यू एसोसिएट विद मी फॉर फर्दर वर्क, आई एम वर्किंग ऑन दैट। आई हैव डिस्कवर्ड लॉट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, 3,000 ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। वन मैन्युस्क्रिप्ट इज 300 ईयर्स ओल्ड, भभूत माता भभूत पिता भभूत तीन लोक हारणी सर्व भभूत भभूत तीन लोक तारणी सर्व दुख हारणी। ये भभूत के बारे में क्या, भभूत माता भभूत पिता भभूत सर्व तीन लोक तारणी सर्व दुख हारणी, ये भभूत का जो कंसेप्ट है नाथ सिद्ध योगियों के द्वारा दिया गया। साबर मंत्र नहीं, ये साबर मंत्र भभूत का नहीं है सर, ये नाथ का है। अच्छा। ये नाथ सिद्ध नाथों के द्वारा भभूत तैयार की जाती थी, और वो जो प्लांट्स हैं वो हैं वहाँ भी। प्रॉब्लम क्या है, हम पहचान नहीं रहे, क्यों? उसका कारण है कि हमने प्रकृति से अपना नाता तोड़ दिया है, और प्रकृति से जब नाता तोड़ेंगे, मैं अभी जब गांव जाता हूँ ना, सारे जंगल में जाता हूँ, और बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती थी प्लांट्स के बारे में, मैं जानता हूँ। अगर मैं भूल जाता हूँ ना, मैं वो पौधे का कुछ छोटा सा फोटो ले आता हूँ या एक छोटा सा पार्ट तोड़ के ले आता हूँ, फिर गाँव में बुजुर्गों से पूछता हूँ इसका नाम क्या था। और मेरे पास बहुत सारे दर्जनों पौधे हैं ऐसे जिनके लोकल नाम तो मुझे पता है, बट आई हैव टू एस्टेब्लिश द बॉटनिकल नेम्स एंड इंग्लिश नेम्स ओनली दैट वी कैन फर्दर एक्सप्लोर दोज प्लांट्स। प्लांट्स आर दियर, नो प्रॉब्लम, बट दैट वो भभूत बनाने वाले लोग नहीं है। 108 कंपोनेंट्स से भभूत तैयार होती थी, ऐसी नहीं होती थी, 108 चीज़ें पड़ती थी उसमें, और उसके लिए मंत्र बोले जाते थे, और वो मंत्र जो है अब जो है वो मेरे पास टेक्स्ट हैं, तो उनका ट्रांसलेशन भी लोग नहीं जानते। एक मुझे मिला, आम अमट की सींचू काया देहणी जोगुणी की उतारू छाया, आम अमट की सींचू काया टुकड़ा बुल की उतारू छाया। अब ये मैं ये जो मंत्र है, इस मंत्र का मुझे दिमाग खराब हो गया, कोई बताया नहीं, मैंने जिन जो पढ़ते हैं मैंने कहा क्या मतलब है कि साहब ऐसे ही होता है, मैंने कहा ऐसे कैसे होता है यार, इसका कोई मतलब तो होना चाहिए ना। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मैंने एक किताब IAS के लिए तैयारी करता था, अपभ्रंश से अभट्ट तक, चौधरी थे उनकी किताब थी, उस किताब में मैंने अमर शब्द का कहीं देखा था, तो मैंने उसको फिर ढूंढा, 2-3 महीने लगे मुझे उस अमर शब्द पकड़ में आने से, पूरा ट्रांसलेशन पूरा मंत्र डिकोड कर लिया। तो ये दिक्कत हम लोगों के साथ है, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, और जो भी कूड़ा करकट खाते हैं हम कहते हैं ये मॉडर्न है और वो सब बेकार, और उसकी वजह से हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग महसूस कर, ये किसी के लिए नहीं है, ना किसी का गुणगान है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना है। अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके खा के देखो ना उस चीज़ को, पर भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा वहाँ लगते ज्ञान। अगर श्रद्धा है तो आप खाएंगे, अश्रद्धा है तो आपको अमृत भी देंगे तो गरीब गरीब क्या जहर दे रहा है, पागल है, कहाँ से ले आया, तो आप फेंक देंगे उसको। तो दिस टेंडेंसी हैज़ टू बी चेंज, एंड वी हैव ट्रेजर ऑफ यू नो मेडिसिनल प्लांट्स एंड नॉलेज, एंड दैट इज अवर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इट इज सो साउंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द यू नो डायलेमा विच वी हैज टू ओवरकम। अदरवाइज इफ वी डू रिसर्च, आई ऑलवेज आस्क हिस्ट्री स्टूडेंट्स, व्हाट रिसर्च यू आर डूइंग लाइक दिस, यू गो टू द सोर्सेज, ब्रिंग आउट सम लिटिल सोर्स। अब गणित प्रकाश मैंने देखा,
जो तकमन का मंत्र ऋग्वेद में है वही मंत्र गणित प्रकाश, और गणित प्रकाश जो है क्या है, गणित प्रकाश एक टेस्ट है, मेरी स्क्रिप्ट है, 40 पेज का होगा, उसके कुछ पेज लॉस्ट हो गए हैं, वो 1793 में लिखा गया कृपाल सिंह के द्वारा, और कृपाल सिंह उसमें अपने गुरु निमिनाथ को कोट करता है, और निमिनाथ सब जानते हैं जैन संत, जैन तीर्थंकर थे 12वीं-13वीं शताब्दी के, शायद मुझे 12वीं शताब्दी में भी एक निमिनाथ मिलते हैं, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ क्योंकि वो पुराने से उनका संबंध था कि नहीं था। तो अब देखिए वो उस गणित प्रकाश में तमाम बुखार के प्रकार बताता है, जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा एड्रेस किया गया तकमन को किया गया, तकमन कहते थे बुखार को, है ना, और उसको एड्रेस किया है उसने, बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है, और उसमें वो सारी चीजें हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि उसको हम कैसे समझें, उस पौधे को आइडेंटिफाई कैसे करें जिस पौधे का नाम उसमें दिया है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको पढ़ने में समस्या क्या होगी कि जो हमारी अल्फाबेटिकल जो चेंजेज आ गए ना, अब गढ़वाली के भी शब्द हैं वो तो लिखा गया सिद्ध प्राकृत भी है उसमें, संस्कृत के शब्द भी हैं उसमें, गढ़वाली भी है उसमें, कुमाऊनी भी है उसमें, अब इतने सारी चीज़ों को और वो शब्दों की जो बनावट है उस बनावट को उसकी वजह से, अब जैसे पुराने उसमें लिखा जाता था जैसे आज हम ना लिखते हैं ना, और उस पर एक मात्रा ना, तो वो उस समय अण होता था, उस समय अण, अब हम उसको ना पढ़ेंगे तो वो सारा अर्थ बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि हम अच्छा, आजकल जो कर रहे हैं वो सब पाखंड करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतने तांत्रिकों से मिल गया, वो कहेंगे कि हाँ साहब किताब देखने की जरूरत नहीं, किताब रख दिया बोलने लगे, अच्छा भाई क्या बोल रहे हो तुम, अर्थ क्या है, कि नहीं साहब यही होता है इसका, अरे ये कहाँ से होता है, आप देखिए इसमें बड़ा साइंस है, जो हम देवताओं को चढ़ाते थे मंत्र में समर्पित करते थे तुमको पता ही नहीं यार क्या चीज़ थी वो, आज तुम काली नाम बोल रहे हो, तुम्हें वो नाम पता नहीं क्या चीज़ है, हैं। अब एक मंत्र मैंने उसका पढ़ा, घर में जैसे छाया होती है आछरी मात्री लगती है लोगों पर, वहाँ आछरी होती है मात्री होती है, और देहणी जोगणी चौसठ जो वो हैं सब सबके नाम है, तो एक लाइन मैंने उसमें पढ़ी कि जब उसकी पूजा करते हैं कि थे दूलू बेणी में सुहापंखी साड़ी, सुहापंखी साड़ी बेणी भुजरी खरूट, अब सुहापंखी साड़ी से मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा सुहापंखी साड़ी क्या हुई, ये सुहापंखी साड़ी होती क्या है, तो जब मैंने उसका स्टडी किया तो भांग का जो कपड़ा बनता था ना, भांग का, क्योंकि पहाड़ में भांग बहुत होती है, उसका कपड़ा बनाते थे, और वो हरे रंग का तोते के कलर का होता था, हाँ सुहा, उसको सुहा बोलते तोता, तो उस कलर की साड़ी दूंगा, क्योंकि वो साड़ी बड़ी मेहनत से बनती थी, अब हाँ हाँ सुहापंखी साड़ी, तो उसको सुहापंखी क्योंकि उसमें सबसे प्रीशस होती थी वो। अब हम इसको अगर इसी टेक्स्ट को अगर हम डिकोड करें तो हम इसमें कितनी बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, हम अपने कपड़ों की रिसर्च कर सकते हैं कैसे बनते थे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की रिसर्च कर सकते हैं, हम उसमें जो खाना चढ़ाते थे फूड चढ़ाते थे, क्योंकि चढ़ाते क्या है देवताओं को जो सबसे प्रिय होता है, तो हमारा सबसे अच्छा खाना क्या होता था उस समय, हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इस चीज़ इस टेक्स्ट को डिकोड करें तो ये तीन चार चीज़ें इसमें आप तीन स्ट्रीम पे काम कर सकती हैं, केवल इसी स्ट्रीम पे नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें गणित प्रकाश में सभी प्रकार के बुखारों का वर्णन है, और वो तो तकमन जो शब्द है ऋग्वेद का उससे मिलता जुलता है, तो ये मंत्र मेरा तो विषय ये है कि ट्रांसमिशन वेदों में लिखा वही सोसाइटी में जो हमारे नेचर के नज़दीक लोग रहते हैं उसमें वो सब चीज़ें कर रहे हैं लोग, तो हाउ दिस ट्रांसमिशन टुक प्लेस, whether it is transmission from the Vedic origin or either it is transmission due to the surrounding of the nature or they are themselves getting the things, this has to be established, this is very important. माइथोलॉजी का हिस्सा बना दिया गया और इसके सहारे कहीं ना कहीं से प्रीडेटरी मेडिसिनल ट्रीटमेंट पद्धति का हिस्सा बना के बाहर कर दिया, कैसे ये इनरोड बना लिया जिसे आप कहते हो कि क्या कहेंगे शब्द उसके लिए अच्छा होगा कि
अज्ञानी लोग भी तो ओझा वैद्य तांत्रिक जो आते गए और डॉक्टर बनते गए, जैसे मैडम ने अभी कहा कि चूल्हे की आग को ही भभूत की तरह फिर यूज करने लगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं विद्वानों की मेथोडोलॉजी में कमी रही है। मेथोडोलॉजी को छोड़ जो गैप पड़े 700-800 साल के आगे और वेस्ट में वो परंपरा नहीं छोड़ी, समय समय पर आते रहे। जैसे लोग जो कहते थे कि आप टेस्ट करो तब उसको एंड फॉल्सिफिकेशन इज पॉसिबल, आप किसी भी नॉलेज को टेस्ट करो एंड ऑलवेज लीव अ रूम पॉसिबिलिटी, आप हमेशा छोड़ो कि वो नॉलेज गलत भी अप्रूव भी करो एक टाइम के बाद। तो क्या हम वो अप्रूवल और डिसअप्रूवल के प्रोसेस से डिरेल होकर श्रद्धा की तरफ ज्यादा चले गए? ठीक है, बताऊं आपको, मैडम के प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हम अपने स्रोतों से दूर हट गए। अब मैंने बताया ना, ये चीज़ मैंने बहुत खुलेआम बताई कि जो तांत्रिक है वो मंत्र पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, बोलता है, और बोल करके उसका अर्थ नहीं बता पाता है। अर्थ ही नहीं पता है तो आप कर क्या रहे भैया? तो जब तक हम उस अर्थ को नहीं जानेंगे तो तब तक हम उसका कह ही नहीं सकते क्या चीज़ है वो। अब वो तो खाली श्रद्धा, जैसे आपने कहा वो इस काम के लिए उनका रोजी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं। मैंने उनको बोला आप क्यों कर रहे हो फिर जब आपको आता नहीं? अरे उसने कहा साहब हमारा तो काम चलता है इससे। और कहीं कहीं जैसे मैडम ने कहा कि मेरे को बीमारी ठीक हो जाती है, तो श्रद्धा विश्वास रूपिणी वो भी पार्ट है। अगर उनका ठीक हो जाता है तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ठीक हो रही हैं, अब मैं नहीं जानता साइंटिफिकली कैसे डॉक्टर, वो तो डॉक्टर का विषय मेरा नहीं है, पर मैं तो स्टूडेंट के नाते उसको बनाऊंगा ना, उसको निरेटिव बनाऊंगा मैं स्टूडेंट के नाते कि ऐसे ऐसे केस हुए थे और ऐसे लोगों ने माना तो ये होता था। अब वो गलत है या सही है ये तो स्टूडेंट का काम नहीं जजमेंट देना। हिस्टोरियन तो ये बताता है कि ये जर्नी कैसे चली आगे और कहाँ कहाँ से। अब वो कह रहे हैं मेरा ठीक होता है तो हम उनको चैलेंज कैसे करें, कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी तो सामने की बात है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर वो कह रही है कि मेरा उससे ठीक हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चल रहा है इस तरह से। दूसरा मैंने सबसे बड़ी बात बताई, अब उससे भी बड़ी खतरनाक चीज़ होगी जो आप कह रहे हैं, हमारा जो सारा ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, हम प्रकृति के दूर जा रहे हैं और जो हमारा माइग्रेशन हो रहा है ना, वो माइग्रेशन से हमारा कम्युनिटी लाइफ सारा डिस्टर्ब हो गया। कम्युनिटी फेयर्स फेस्टिवल्स उनका कुछ आधार था, प्रकृति के साथ रहने का, संवाद करने का एक तरीका था, उस संवाद से हम वंचित हो गए हैं। हम प्रकृति को एक भोग की तरह देखने लग गए कि वहाँ से क्या मिल जाएगा हमको। ये वही कंसर्न मेरा भी है, वही कंसर्न। नहीं टूल्स में बता रहा हूँ ना, जैसे मैं मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठे कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं टूल्स, मैं टूल्स की बात तो कर ही रहा हूँ, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो टूल्स है ना। अब अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट खो गए, जैसे बहुत सारे जला दिए लोगों ने, और दूसरी बात क्या हो गई? जैसे एक और मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि इस पेपर में मैं कितना जिक्र करूँगा, इसमें इतना टाइम लग गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो पढ़ता रहता हूँ उसमें। दूसरी समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या ये आती है, बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि हम जब ये मैन्युस्क्रिप्ट को लेते हैं ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? अब जैसे मैंने कहीं बताया था कि सर मैं एक जगह गया, मुझे पता था कि मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास है, वो हायर कास्ट थे, ब्राह्मण थे। अब कुछ टाइम बाद ये स्थिति हो गई कि ऊंची जाति वाले थोड़ी करते हैं काम, ये झाड़ू ताड़ू ये तो सब नीची जाति वालों का। अब मुझे पता था कि उनके पूर्वज करते थे, मैं पूरे प्रमाण के साथ गया 20 किलोमीटर पैदल चल के। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास तो होता ही नहीं, किसने भेज दिया? आप गर्म हो गए मेरे पे कि आप कैसे कह रहे हो कि हम करते हैं, आप गलत बात कर दी है, आप इतने आप तो सगला नहीं है, ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, आप हमको नीचा समझ रहे हैं ये सब। अरे मैंने कहा महाराज मैं इसलिए नहीं आया, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब रात बितानी है नहीं है आपके पास ना? उन्होंने कहा नहीं है साहब। ठीक है सर, अब मैं उनको कुछ ले गया था, दिया तो यार आ गया वापस खाली हाथ बैरंग 20 किलोमीटर चल करके। दूसरे दिन फिर दोबारा गया, मैं हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने, मेरे को कन्फर्म था मैं दवाई उवाई साथ ले जाता हूँ। अब लकीली उनको डिसेंट्री हो गया, अब डिसेंट्री हुई तो वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब दवाई चाहिए। अब वो तो उठ नहीं सकी बूढ़ी जी खड़े, उनकी वाइफ आई दरवाजा को, मैंने क्या हुआ कि बूढ़ी जी ख़त्म होने वाले, मैंने कहा क्या हो गया कि खूनी पेशिश हो रही है, हो रही। अरे मैंने कहा मेरे पास दवाई है, चलो। मैंने बूढ़ी जी को दवाई देते समय एक प्रोमिस ले लिया कि आप दवाई खाने के बाद ठीक हो जाओगे तो सच बोलोगे। दवाई खिलाई, हाँ सुबह ठीक हो गए। मैंने कहा बताओ आपने वो है ना आपके पास? कि हाँ महाराज है, तो सही गलती हो गई। तो मैंने कहा देखो ये देवता का दोष लग गया, फिर ऐसी भाषा में बात करनी पड़ती, ऐसी भाषा में बात करनी पड़ती, फिर लोगों से काम नहीं। भाई अंधविश्वास करता है सर, अंधविश्वास नहीं, मैंने उनका अंधविश्वास खत्म किया। वो कह रहे थे कि ये किताब आप टच नहीं कर सकती, करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सो मैंने कहा मेरे पास ना 6 किताबें मैं अपने सिराने के नीचे रखता हूँ और इससे बढ़िया है मेरे को कुछ नहीं हुआ आज तक।
तो आप क्यों ये किताब का नाश मार रहे हो? उठ गई सर, किताब बहुत खराब है। ऐसा ही है, बहुत अच्छी किताब। तो इसलिए ये टूल्स डेवलप करना हमारा काम ही है कि हम उस सोर्सेज को इकट्ठा करें और वो जो लिपि है वो लिपि खराब हो रही है उस लिपि को सीखे, उनको पढ़ें, पढ़ करके फिर आगे पहुँचाए, मैं वही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे ये जो प्रसंग चल रहा है, मुझे क्षमा चाहता हूँ, मुझे बीच में किसी मीटिंग में जुड़ना था, बार बार फोन आ रहे थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं पूरा सुनना चाहता था। चलिए, एक घड़ी आधी से पुनियाद, संतन सेते गोष्ठी जो कीने सो लाभ, जितना मिल सका उतना काफ़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात आई कि भाई हमारे टूल्स कहाँ गायब हो गए, या साइंटिफिक परीक्षण जो हमारे यहाँ हुआ होगा तभी ये चीज़ें एस्टेब्लिश हुई, तभी ये शास्त्र बने, और जिन लोगों के पास ये ज्ञान था एक समय के साथ साथ उन्होंने इसे गोपनीय बना दिया, और गोपनीय ही बना दिया और अपने साथ लेकर ही जाने की प्रथा बन गई। आगे देने का मतलब था कि औरों को इस प्रोफेशन में शामिल करना वो नहीं चाहते थे, परिवार में रहे तब तक तो ठीक है, परिवार से आगे ना जाए। तो कुल मिलाकर, और फिर उसके बाद इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की। मान लीजिए आपको कहते हैं व्रत रखिए, और व्रत रखिए पंडित जी ये तो बताते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है फिजिकल लेवल पे क्या है, क्यों है, ये वो नहीं समझा सकते, ना वो समझाने की कोशिश करते हैं। वो केवल पुण्य मिलेगा और इससे आपकी सदगति होगी, यहाँ तक तो वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे फिजिकली आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो शायद बताना ही नहीं, उसको जोड़ना नहीं चाहते, वो धर्म तक ही रखना चाहते हैं। इस कारण भी विकृतियां आई, क्योंकि हमें हर चीज को धर्म से जोड़ दिया, और धर्म का मतलब आस्था से, विश्वास से जोड़ दिया, और परीक्षण निरीक्षण की पद्धति से हम दूर चले गए, और ज्ञान जो था उसको अपने तक सीमित रखने की कोशिश की। अब ग्रंथ की बात करें, लोक साहित्य की हमने बहुत सी पांडुलिपियां इकट्ठा करने की कोशिश की हिमाचल में, परिवार शेयर करने को तैयार नहीं है, और खासकर धार्मिक जो है वो तो बिल्कुल नहीं है, वो धूप दीप हाँ पूजा करके पोथी बंद कर सड़ जाएगी, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको, उसकी फोटोस्टेट नहीं लेने देंगे आपको। तो परिणाम ये हुआ कि वो ग्रंथ विदेशियों ने जितने नष्ट किए उससे कहीं ज़्यादा हमने खुद किए, और ना पढ़ा ना पढ़ने दिया। तो और फिर कहते हैं कि हमें तो वेद पढ़ने नहीं दिए, अरे भैया आज तो अवेलेबल है ना, सबको अवेलेबल है, 100-200 रुपये में मिल जाते हैं, कितने पढ़ रहे हैं आज तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते। तब भी पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, श्रम चाहिए, वो कोई तैयार नहीं उसके लिए, लेकिन बहाना ये है कि हमें पढ़ने नहीं दिए इसलिए हमने नहीं पढ़े। लेकिन आज पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आज आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि अपनी जो ज्ञान परंपरा है ये निश्चित रूप से अनुभव सिद्ध है और प्रयोग सिद्ध भी है, लेकिन जिन ग्रंथों में ये ज्ञान था एक तो बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गए, जिन लोगों के पास अनुभव के आधार पर भी चीज़ें थी उन्होंने आगे इसको डिसेमिनेट नहीं किया, आगे देने की कोशिश नहीं की, और हमें अब फिर से इन चीज़ों को खोजना पड़ रहा है, जैसे शुक्लानी जी खोज रहे हैं, या बाबा रामदेव के साथ उनके वो साथी बालकृष्ण जी हैं, वो बेचारे पहाड़ों में घूमते रहते हैं और जड़ी बूटियां खोजते रहते हैं, और अच्छे ग्रंथ लिखा है उस व्यक्ति ने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि परंपरा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो परंपरा से जुड़ना ही आधुनिक होना है, आधुनिकता और कुछ नहीं है, परंपरा, परिवेश और प्रयोग, तीन चीजों का सम्मिश्रण है, क्योंकि जो परंपरा से प्राप्त है उसे परिवेश के प्रकाश में सिद्ध करना या एग्जामिन करना और उसके साथ प्रयोग करके नई चीज बनाना, यही आधुनिकता है। परंपरा से कटकर हटकर बचकर कोई आधुनिकता हो नहीं सकती, वो नकल हो सकती है। तो हम नकल की ओर जा रहे हैं, हम आधुनिकता की ओर नहीं जा रहे। एक चिंपांजी को आप कांटे छुरी से खाना सिखा सकते हैं, पर वो आधुनिक तो नहीं हो जाएगा, सीख जाएगा वो। आपने जू में गया हूँ, देखा चिंपांजी को सिगरेट फेंकते हैं वो पीता है,
सिगरेट पीने वाला आधुनिक है, ये कैसे के मान लिया जाए। तो इसलिए हम सब पश्चिम की नकल तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरा से चीजों को परख कर जांच कर स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए ये जो कुछ कर रहे हैं ये पुरातनपंथी नहीं है, ये पुरानी चीजों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जांचने परखने के बाद उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही आधुनिकता का तकाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप सभी को, आपने मुझे झेला और चलिए ये तो मेरा सौभाग्य है। निदेशक महोदय के इतने अच्छे इतनी अच्छी टिप्पणी के साथ रिटर्न की बात है। वाले जी आपका तैयार है समोसा सर। बीच में पूछ रहे सर आपकी बहुत बढ़िया।